हाँ जी नमस्कार गुड इवनिंग क्या हाल है आप सभी के सब लोग एकदम बढ़िया तैयार हो धमाकेदार तीन घंटे लगातार आज हम पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे आज हम आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा यानी बीज गणित और बहुत दिनों बाद एक बड़ी क्लास लेने का मौका मिला है और समय भी मिला है तो आज इस पूरे तीन घंटे का फायदा उठाएंगे मजे लेंगे आज और एल्जेबरा से जो आपको डर लगता है जो एक अंदर ही अंदर थोड़ा सोचते हैं पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आज आप पूरे तीन घंटे की क्लास अटेंड करिएगा आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चैप्टर में आप एंजॉय करेंगे है ना जो बच्चे खासकर इस चैप्टर से डरते आए हैं जो हमेशा ये सोचते आए कि पता नहीं मुझसे ये होगा कि नहीं होगा तो आज का ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है बस एक ही निवेदन मेरा रहेगा कि पूरे एंड तक बने रहिएगा है छह से नौ तीन घंटे लगातार आज अपना ये सेशन होने जा रहा है एंड तक आपको साथ देना है अगर सीखना है तो पढ़ना भी पड़ेगा एडवांस मैथ्स हर एग्जाम में आता है चाहे आप एसएससी की बात करें चाहे सिविल सर्विसेज की बात कर लें उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रोल वहां भी है रेलवे में इसका बहुत रोल है स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर राज्य के एग्जाम्स हो उसमें एलजेबरा ट्रिग्नोमेट्री जोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस एंडस एंडाइसिस नंबर सिस्टम एलसीएम सी एस सारे चैप्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है है ना तो पढ़ना हर व्यक्ति चाहता है सिलेक्शन हर व्यक्ति चाहता है इन अध्याय इन चैप्टर्स को अच्छा हर व्यक्ति बनाना चाहता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है ना तो अगर एडवांस मैथ्स को आपको अच्छा करना है तो छोटी सी एक कसम खा लीजिए कि इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं पढ़ोगे तो बनने लगेगा है ना मरना हर व्यक्ति चाहता है लेकिन स्वर्ग कोई नहीं जाना चाहता तो अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा एडवांस सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ना पड़ेगा आप बस पढ़ना शुरू कर देंगे ना इंटरेस्ट आने लगेगा चीजें बनने लगेंगी है ना और इसके साथ अक्सर वही एक चीज होती है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस स्कूल का बड़ा बेकार रहा है ना स्कूल में हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया तो हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन छप चुका है कि मैथ्स बहुत गंदा एडवांस मैथ्स तो तो उससे भी ज्यादा गंदा और हम इस जन्म में तो नहीं सीख पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है उसका तरीका वो डिपेंड करता है मैथ्स हमें इस तरीके से स्कूल में पढ़ाया गया कि हमें अपने दिमाग में इस तरीके की एक छवि हम, हम बनाने पर मजबूर हो गए कि ये विषय बेकार है आज जब आप तरीका बदलेंगे आज जब अच्छे से सीखेंगे तो आपका नजरिया बदलेगा मैथ्स वही है लेकिन तरीका बदलने से यह विषय आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा है ना तो लक्ष्य मत बदलिए अपना टारगेट मत चेंज करिए अपना रास्ता बदलना है हमें है ना हमें अपने रास्ते में सुधार करना है अपनी प्रोसेस में अपनी मेथड में अपनी मेहनत में अपनी रणनीति में सुधार करना है कि कहां सुधार किया जाए कि हम अपने टारगेट तक पहुंचे तो टारगेट नहीं बदलना है तरीका बदलना है तरीका गलत होता है टारगेट कभी अच्छा या बुरा नहीं होता टारगेट तो टारगेट है जो आपका सपना है वो तो आपको पाना है ही लेकिन वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपका तरीका कैसा है तो तरीका सुधारिए टारगेट अपने आप आपका हासिल हो जाएगा आइए शुरुआत करते हैं बीच बीच में और हम आपको कुछ इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें बताते रहेंगे शायद थोड़ा बहुत असर पड़ जाए आज हम जितना भी पढ़ेंगे इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे तो टेलीग्राम पे जाएंगे आप द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और यहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही ठीक है भाई और ये अपनी सारी यूट्यूब चैनल है ये मेन चैनल जिस पे आप अभी हैं ये मैथ्स की चैनल है ये मोटिवेशनल चैनल है एमपीपीएससी की चैनल है बैंक एसएससी उत्तर प्रदेश और फिजिकल एकेडमी है ना विनर्स की फिजिकल एकेडमी भी स्टार्ट हो गई है तो इन सारे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं मैं अगली जो मैराथन क्लास होगी वैसे मैं इस बार भूल गया अपनी टीम को बताना लेकिन आगे से जो भी मैराथन क्लासेस होंगी वो अपनी इस मैथ्स वाली चैनल पे होगी मैथ्स बाय आदित्य पटेल जिसपे लगभग अब तो और ज्यादा हो गए शायद लगभग आठ लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे होने वाले हैं और इसमें मैंने लगभग पिछले एक साल से क्लासेस नहीं लिए तो आगे से जितनी भी तीन घंटे चार घंटे छह घंटे की जो स्पेशल और मैराथन क्लासेज होंगी वो सारी मैथ्स स्पेशल चैनल पर होगी तो आप इससे जरूर जुड़ जाना ऐसा ना हो कि कोई क्लास हो जाए और आपको पता भी ना चले ठीक है भाई तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाना और जब आप जीवन में बहुत हताश हो जाए निराश हो जाए जब आपको लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो ये चैनल मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगी जब आप जीवन में परेशान हो जाए डीमोटिवेट हो जाए इस चैनल पर जाइएगा एक वीडियो प्ले करिएगा और आपका पूरा जो आ, कचरा है दिमाग का वो साफ हो जाएगा एक ऊर्जा मिल जाएगी वापस से खड़े होने की और अगर भरोसा ना हो तो आजमा के देख लेना किसी भी दिन इस चैनल का कोई भी वीडियो आप देख लेना बाकी सभी चैनल आपके काम की है और आप जानते ही हैं कि अगर आपको विनर्स में पढ़ना है तो दो तरीके हैं या तो आप ऑफलाइन इंदौर आके पढ़ सकते हो या घर बैठे आप विनर्स की ऐप पर पढ़ सकते हो सभी चीजें उपलब्ध है और मेरी एडवांस की मैथ्स की बुक जिसकी बहुत ज्यादा आप डिमांड कर रहे थे तो अब ये उपलब्ध है ये आपको मिल जाएगी अब विनर्स की ऐप के माध्यम से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो इस महीने के आखिरी तक ये किताब आपके हाथ में आएगी तो इसमें पूरे पंद्रह की बुक निकाली थी अब ये एडवांस मैथ्स की बुक है है ना तो ये हिंदी मीडियम वाली लॉन्च हो चुकी है इसको आप देख लेना और 500 विद्यार्थियों को हम फ्री कोर्स देने जा रहे हैं जिसका पहला जो फेज है इसका टेस्ट कल होने वाला है ना तो कल कल यानी क्या हो गई तेईस जनवरी तेईस जनवरी को शाम सात से आठ विनर्स की ऐप पर एक टेस्ट होगा जिसमें से हम कुछ विद्यार्थियों को चुनेंगे और उनका मनपसंद कोर्स निशुल्क देंगे फ्री कोर्स देंगे जो वो चाहेंगे तो इसका टेस्ट कल शाम को विनर्स की ऐप पर होने वाला है टेस्ट कहां मिलेगा तो आपको एक फ्री वीकली टेस्ट आपको एक सेक्शन दिखेगा आप विनर्स की ऐप ओपन करेंगे तीसरे नंबर पे एक आइकॉन बना मिलेगा फ्री वीकली टेस्ट उसके अंदर आपको ये टेस्ट दिखाई देगा अगर आप कोई भी कोर्स चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को दीजिए अपनी काबिलियत के दम पे हासिल करिए अपने आप को प्रूव करके दिखाइए और मैं आपको एक कोर्स फ्री दूंगा जो आप चाहेंगे वो वाला ठीक है भाई चलो तो अब अलजेब्रा को उठा उठा के पटकते हैं बुक कैसे ऑर्डर करनी है ये कोर्स कैसे फ्री मिलेगा इसकी जानकारी मैंने 15 जनवरी को एक वीडियो में दी थी 15 जनवरी को मेरा बर्थडे था उसी पे मैंने आपको एक गिफ्ट दिए थे तो आप आदित्य सर बर्थडे 15 जनवरी ऐसा करके सर्च करना यह वीडियो मिल जाएगा जिसको अभी तक तीन लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है तो आप इसको देख लेना इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी और इसमें एक बहुत धमाकेदार घोषणा भी करी थी जिसने यूट्यूब पर यूट्यूब को और सारे विद्यार्थियों के हिला के रख दिया था अर्थ का अनर्थ भी हो गया था कि मैं मैथ्स पढ़ाना छोड़ रहा हूं तो वो उसके बारे में भी बीच में हम बात करेंगे चलिए अब आते हैं अपने एलजेब्रा टॉपिक पर अगले तीन घंटे हम यहां बने रहेंगे चिपके रहेंगे मैंने पहले भी पढ़ाया है आप में से वो बच्चे जिन्होंने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करेंगे एल्जेब्रा बाय आदित्य पटेल तो आपको मेरे कुछ इस प्रकार के वीडियोस दिखाई देंगे तो मेरा निवेदन है कि आप इन वीडियोस को भी देख लेना आज तो पढ़िए लेकिन इनमें और अलग प्रश्न है नए प्रश्न है इनसे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी तो एक ये क्लास है एक ये वाली क्लास है एक ये एल्जेब्रा की है ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है मैंने दस रूल्स सिखाए हैं और बहुत काम के रूल्स हैं ये वाली क्लास आप जरूर देख लेना फिर एक और एलजेब्रा की क्लास है इनको आप देख लीजिएगा चलिए तो एल्जेब्रा को हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित और ये एक ऐसा चैप्टर है जो टोटली फॉर्मूले पर डिपेंड है अगर आपको सूत्र याद होंगे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे लेकिन फॉर्मूले ऐसे नहीं है कि 40, 50, 100, 200 सौ फॉर्मूले याद करने हैं अगर आप खास खास 10 से 15 फॉर्मूले भी याद कर लेते हो और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से इसको अच्छा कर सकते हो बाकी एडवांस में इसको अच्छा कैसे किया जाए कम मेहनत करके एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री इस प्रकार के चैप्टर्स को कैसे अच्छा बनाए मैं बीच बीच में कुछ टिप्स आपको देते रहूंगा वो आपके लिए बहुत काम आएगी कि एडवांस मैथ्स को अच्छा कैसे करें अगर मैथ्स बैकग्राउंड ना हो और फिर भी मैथ्स अच्छा करना हो तो कैसे करें उसकी टिप्स में बताऊंगा और जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि मैं मतलब आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है आपने दसवीं के बाद विषय बदला और गणित आपको अच्छा नहीं लगता था लेकिन सिलेक्शन लेना है सरकारी नौकरी लेना है तो गणित अच्छा करना पड़ेगा लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं लेकिन क्या मैं अच्छा मैथ्स कर सकता हूं तो आपके सामने इस समय जो व्यक्ति खड़ा है यह इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है मैंने दसवीं के बाद ग्यारहवीं बारहवीं में बायोलॉजी साइंस लिया था ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स बीकॉम किया है एमबीएचआर फाइनेंस किया है और आज मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहा हूं तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर मैथ्स आपको पढ़ा रहा है और 10-10, 12 बारह सरकारी नौकरियां निकाली हैं तो आप भी निकाल सकते हो क्यों? और मेरे साथ तो कोई नहीं था आज तो मैं आपके साथ हूं तो अगर मैंने अपने दम पे बिना किसी मार्गदर्शन में बारह नौकरियां निकाली हैं तो आप तो फिर पंद्रह बीस तो आराम से निकाल सकते हो है ना तो कभी जीवन में आप निराश हो जाए या मुझे याद कर लेना कि वो इंसान बिना मैथ्स बैकग्राउंड वाला आज मैथ्स पढ़ा रहा है तो तुम्हें तो पढ़ना ही है है ना सीख नहीं है आराम से सीख जाओगे ठीक है भाई चलो क्या करें यार टीचर की बोलने की आदत बड़ी होती है ना चुप रहना टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है चलो करते हैं शुरुआत तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हम करेंगे आज हम किस तरीके से पढ़ने वाले है? पहले मैं आपको एक फटाफट फॉर्मूले बता देता हूं जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं याद हो तो ठीक ना हो तब भी ठीक चिंता मत करना आपने पहले एलजेब्रा नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं आपको फॉर्मूले याद नहीं है कोई टेंशन नहीं मैं हर प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगेगा कैसे दिमाग लगाना है उसका बेसिक क्या है कंसेप्ट क्या है सारी चीज एकदम प्यार से आपको समझाऊंगा बस एक ही निवेदन कि अगर अच्छे से सीखना है एल्जेब्रा अच्छा करना है एडवांस में अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिससे आप सीख जाएं तो अच्छा करना है तो ऐसी जब स्पेशल क्लासेस इनको अटेंड करो आप बहुत सीख कर आप जाएंगे तो आज का सेशन आप पूरा तीन घंटे अटेंड करिए और आज आप फर्क महसूस करेंगे और देखेंगे कितना सारा सीख गए आप एक ही दिन में तो पढ़िए बस अच्छे से कोई चिंता नहीं है बाकी बीच बीच में टिप्स मैं आपको दूंगा ठीक है भाई चलो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी फिर आप पढ़ते आ रहे हो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी फिर a प्लस बी का स्क्वायर यहां पे हमने क्या लिख दिया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ आपके मन में आएगा कि सर आपने a प्लस बी का स्क्वायर तो बोल दिया a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी लेकिन ये क्या हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी सर ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा इसी प्रकार ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्स ए बी हो गया चिंता मत करा करो अगर आप मेरी क्लास में हो तो आप ये तो छोड़ ही दिया करो कि ये कैसे हुआ वो तो मैं समझाऊंगा ही आपको उसके लिए तो चिंता ही मत करा करो इसके बाद ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे बच्चे को रटा हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का क्यूब ए का क्यूब बी का क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी का क्यूब ए का क्यूब बी का क्यूब थ्री ए बी ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना और यहां माइनस आते हुए भी यहां दोनों जगह प्लस होता है ये याद रखना तो ए क्यू प्लस बी क्यूब ए क्यू माइनस बीक्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है ना तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लें वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा आराम से नोट्स बना लेना अभी नोट्स की ज्यादा चिंता मत करना पढ़ने पे ध्यान लगाना आप सीखने पे ध्यान लगाना बहुत ज्यादा टीपर टापी वाला काम मत करना कि फटाफट पढ़ सब लिख भी लूं पीडीएफ मिल जाएगी ना वीडियो यूट्यूब पे जीवन भर पड़ा रहेगा कभी भी इसको देख लेना सीखने पे ज्यादा ध्यान लगाना समझ में आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है नोट्स बने ना बने लिखे ना लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है सब मिल जाएगा आपको ये है ना पीडीएफ क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ट्राइज ऑफ ए बी बी सी सी है बच्चे बच्चे को रटा है यह एक बहुत अच्छी बात है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वाइनस ए बी बी सी सी ए क्यू प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का एक और इसके तीन फॉर्मूले होते हैं बेसिकली उससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन तीन तो होते ही होते हैं बी बी सी सी ए इसी प्रकार इसका तीसरा फॉर्मूला अगर अल्टा पलटा कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्र सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है मतलब ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है शायद आप जानते हो एक बटे दो ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर ठीक है भाई ए क्यू प्लस क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी का स्क्वायर और यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो तो यह हमेशा ए क्यू बीक्यू सी क्यू बराबर थ्री एबीसी होता है यह मैं आगे प्रूफ करके भी बताऊंगा कई सारी चीजें मैं आपको पूरी प्रूफ करके सॉल्व करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है वो आगे हम समय समय पर बात करेंगे ठीक है तो 40 से 50 प्रश्न करने का टारगेट है आज की क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने है और जैसा आप मुझे जानते हैं कि हर क्लास की शुरुआत में एकदम जीरो लेवल से करता हूं और जीरो से आपको एकदम हीरो लेवल पर लेकर जाएंगे हंड्रेड तक आपको लेकर जाएंगे शुरुआत धीमी होगी शुरुआत आसान प्रश्नों के साथ होगी लेकिन धीरे धीरे आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी तो चिंता ना करें मजे से पढ़ें प्लेन हमेशा ए से उड़ता है प्लेन ऐसे नहीं उड़ता है ना प्लेन हमेशा ए से जाएगा तभी ऊंचा जा पाएगा तो हमें प्लेन की तरह जाना है रॉकेट की तरह नहीं जाना है उसमें ज्यादा ताकत लगेगी तो बेसिक से चलेंगे मजेदार तरीके से पहला सवाल आपके सामने है और ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा के पिछले दो तीन साल में पूछे गए प्रश्न है मजा आएगा आपको तो आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं आबकारी आरक्षक जेल प्रहरी वन रक्षक एमपीएसआई कांस्टेबल एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस हर परीक्षा के लिए जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं यह बेहद काम का है क्या बात है क्या शानदार जादु आंकड़ा मुझे मेरे सामने दिखा रहा है इस समय जो लाइव वॉचिंग चल रही है वो चल रही है वन डबल फोर डबल फोर चौदह हजार चार सौ चौवालीस लोग लाइव हैं इस समय और मुझे लगता है कि बहुत जल्द बीस हजार का आंकड़ा भी पार करेंगे हम चल दिखा के आपको सवाल इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं भाई पहला तरीका इसको करने का हो सकता है ऑप्शन से और दूसरा तरीका हो सकता है इसको मेथड से अगर आप मुझसे पूछेंगे ज्यादा अच्छा क्या है सर तो ज्यादा अच्छा है ऑप्शन और नॉर्मल मेथड तो फिर है ही दो इक्वेशन बनेंगे बिलोपन भी थी उससे करेंगे और ऑप्शन से आप में से कई लोगों ने इसको फोड़ ही दिया है आंसर आने ही लगे हैं आप सब लोग के है ना आपको बस ऑप्शन को रख के देखना है कि भाई एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव की वैल्यू बारह है कौन से ऑप्शन लें कि बारह आ जाए है ना अच्छा दोनों प्लस हैं तो पहले प्लस वाले ऑप्शन को ट्राई कर लें अगर मैं की जगह 18 रख दू और वाई की जगह पंद्रह रख दू तो क्या ठीक है एक्स की जगह अठारह वाई की जगह पंद्रह तो दो से कैंसिल हुआ नौ बार पांच से कैंसिल हुआ आपका तीन बार तो नौ और तीन बारह हो रहा है यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर है ये आपका सबका आंसर आ गया होगा अगर इसको इक्वेशन बना के करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं x प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू बारह पांच और दो का एलसीएम दस होता है तो सब में दस का गुणा करेंगे दस का गुणा करेंगे तो दो से ही जाएगा पांच बार तो ये बनेगा आपका फाइव एक्स पांच से कटेगा दो बार तो ये बनेगा आपका टू वाई और बारह का दस में गुणा होगा तो ये बनेगा एक सौ बीस ठीक इसी प्रकार फोर एक्स बटे तीन माइनस वाई बटे तीन बराबर उन्नीस है तो यहां तीन और तीन का एलसीएम तीन है सभी में तीन का गुणा करेंगे तीन से तीन कट गया तो यह आ जाएगा फोर एक्स तीन से तीन कट गया तो यह आ जाएगा आपका माइनस का माइनस का वाई और उन्नीस का तीन गुना हो जाएगा संतावन और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके आगे हल करना हरेक को आता होगा ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना तो ऑप्शन ज्यादा आसान है और अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के बात समझ में आ रही है तो हाँ या ना में बीच बीच में जवाब देते जाना ठीक है भाई आगे आपको पता ही है यहां दो का गुणा कर देते हैं तो ये कैंसिल होके बाय होके कैंसिल हो जाएगा ये आठ बन जाएगा आठ और पांच तेरा एक हो जाएगा और संतावन का दुगना एक है ना 114 और 120 सौ बीस जुड़ के काटापिटी करके कर लोगे बन जाएगा ना ज्यादा टाइम नहीं देते आगे बढ़ते हैं ना बने तो मुझे बताना किसी दिन पढ़ा दूंगा मैं बिलोपन विधि अगला सवाल आपके सामने पंद्रह हजार का आंकड़ा पार आप देख रहे हो कितना कंपटीशन है कभी यह मत सोचना कि आप ही अकेले हो मैदान में बहुत लोग हैं जो मेहनत करेगा जो पसीना बहाएगा वही जीतेगा रेस में आखिरी तक वही पहुंचेगा हाँ ठीक है अभी आप चलिए बस है ना अभी लेवल बढ़ेगा आसान शुरुआत होगी लेकिन अभी आगे मजा आएगा अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं ये सवाल का आंसर लाने का मैं तरीका बताता हूं आप सबको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था कि a प्लस बी का स्क्वायर का यह फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी का यह होता है अब मैं इसकी बारी है इसको मैं समझाता हूं कि ये फॉर्मूले कैसे बने थे एक चीज समझना अगर मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं a का का स्क्वायर स्क्वायर अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ रहे हैं है ना थोड़े आराम से चलेंगे कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे हमारा ये टारगेट नहीं कि हमें बहुत ज्यादा प्रश्न करने हमारा टारगेट ये है कि भले कम प्रश्न हो लेकिन जितना पढ़े वो सॉलिड पढ़े बेसिक और कंसेप्ट के साथ पढ़े तो जहां पे जरूरत होगी मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा उसको पढ़ने में थोड़ा सा पेशेंस रखना सब्र रखना जल्दबाजी नहीं करना अब क्या होता है अगर इसमें मैं एक बार टू ए बी जोड़ दू और एक बार टू ए बी घटा दू तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि टू ए बी से टू ए बी कैंसिल हो जाएगा और इसी से नया फॉर्मूला फिर जनरेट होता है अब मुझे यह बताना यह तो यही रहेगा ये तो a प्लस बी का स्क्वायर ही है लेकिन a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab क्या a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab क्या a माइनस बी का स्क्वायर होता है और 2ab 2ab क्या बन जाता है मेरे भाई 4ab बन जाता है समझ गए तो ऐसे ये एक फॉर्मूला बना ठीक इसी प्रकार अगर मैंने कहा कि a- माइनस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी वही काम यहां करो एक बार टू ए बी जोड़ो एक बार टू ए बी घटाओ तो यह कैंसिल हो जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर टू ए बी क्या मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं a b और टू ए बी को और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का फोर ए कई लोगों ने पढ़ा होगा कई लोगों को आप समझ में आया कि ये कैसे बना समझ में आया एक बार हम प्लस टू ए बी करते हैं एक बार माइनस टू ए बी करके फॉर्मूले को बदल देते हैं इसीलिए यहां पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ था अब आपको समझ में आ जाएगा कि ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यों होता है और ए माइनस बी का स्क्वायर ये क्यों होता है और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है देखो वो जमाना गया जब डायरेक्ट इनकी जरूरत पड़ती थी अब प्रश्न बनाने वाला समझदार हो गया है अब वो थोड़ा सा घुमा देता है प्रश्नों को जैसे ये सवाल है है ना तो ये आपको बात समझ में आ गई मैं अभी और समझा दूंगा चिंता नहीं करना हमारे पास सवाल है ए प्लस बी का आधा करेंगे तो चार देखो चार का दुगना कर दें तो मुझे एक इनपुट तो ये मिल गया कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आठ है।, है ना चार दुनिया आठ और ए और बी का अगर गुणा किया जाए ए और बी का गुणा किया जाए तो कितना आएगा सात तो यहां इन्होंने कहा कि ए माइनस बी का ए माइनस बी की वैल्यू बताओ अब मुझे एक बात बताओ अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले समझ में आया तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा फोर ए बी समझ में आई थी क्या बात आपको अगर ए माइनस बी मुझसे कहा गया है तो मैं क्या कर सकता हूं ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी जो मैंने अभी आपको समझाया था कि A का का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है एक्चुअल में ये एक बार टू ए बी जुड़ता है एक बार टू ए बी घटता है तो ये दो और एक ये तीन मिलके ये बन जाते हैं माइनस 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 का फोर ए बी अब हमें कुछ नहीं करना है वैल्यू पुटिंग करना है तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है आठ आठ का वर्ग हो गया चौसठ और चार गुणा ए बी ए बी की वैल्यू कितनी है सात है ए माइनस बी और वर्ग हटा के मैं वर्गमूल लगा दूंगा तो चौसठ में से 28 चला जाएगा है ना सात गुणा चार चौसठ में से ट्वेंटी एट गया तो क्या छत्तीस बचेगा क्या है ना पांच में से दो छत्तीस और छत्तीस किसका वर्ग होता है प्लस या माइनस छ का वर्गमूल में से अगर निकलेगा तो प्लस सिक्स भी हो सकता है माइनस सिक्स भी हो सकता है इसलिए आंसर आएगा तुम्हारा प्लस का सिक्स उम्मीद है कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं <coughs> तीन घंटे झेलना मुश्किल है जितनी देर झेलते बने उतनी देर पढ़ो आपकी समस्या से मैं पहले भी बोल चुका हूं तुमसे पढ़ते बने ना बने इससे फर्क नहीं पड़ता है जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो पढ़ेगा तो आपसे नहीं पढ़ते बन रहा आपको एलजेबरा अच्छा नहीं लगता यह आपकी समस्या है इससे ना मुझे फर्क पड़ता है ना पेपर बनाने वाले को पड़ता है मुझे तो फिर भी फर्क पड़ जाएगा पेपर बनाने वाला कोई मतलब नहीं रखता है है ना जिसको सिलेक्शन लेना है वो पढ़े नहीं लेना है मस्त आनंद लीजिए संडे का आया भाई और रेगुलर रहिए थोड़ा भी आप इधर उधर गए आपने कहा चलो फोन पे बात कर लू जरा किसी से या जरा काम निपटा दू एक चीज भी मिस करी कि गए है ना जैसे मैं इसके पीछे का साइंस सा आपको बता चुका हूं कि ऐसा क्यों लिखा बस वैल्यू पुटिंग करनी थी A plus B यानी आट, आट का वर्ग, वर्ग? या आइए बी की वैल्यू पांच है ए बी की वैल्यू तीन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा सिंपल सा ये जो हमारा पहला टाइप है आप इसको टाइप वन भी बोल सकते हो थोड़ा सा आपको टाइप भी नोट करवाते चलूंगा मैं ये हमारा टाइप वन है और इसमें हम सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले के माध्यम से हम प्रश्नों को कर पाएंगे है ना अगला सवाल <tlesles> थोड़ी देर में मजा आएगा आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा थोड़ा झेलना पड़ेगा बस उदय राजपूत अरे उदय भाई ऐसा मत करो यार सौ रुपए और ये ऐसे पैसे मत ट्रांसफर करो अकाउंट नंबर दो हम वापस करेंगे ऐसा मत करो पढ़ो बस तुम हां प्रणाम आचार्य जी हां भाई आशीर्वाद शिष्य हो गया देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना अभी ये प्रैक्टिस होने पे आपको समझ में आने लगेगा जैसे ही आपको दिखा ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो आपका दिमाग चलेगा कि भाई पहला तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का खुद एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकिन इससे बात नहीं बनेगी लेकिन इससे बात बन जाएगी दो ही फॉर्मूले हैं जहां पे ए क्यूब और बी क्यूब आता है तो अक्सर हम इसके बजाय इसका यूज करते हैं है ना आपके पास सारी वैल्यू दी हुई है बस वैल्यू पुटिंग करना है A plus B, यानी तो पांच का घन फाइव का क्यूब यानी वन ट्वेंटी में तो पता ही नहीं है इसकी तो वैल्यू निकालना है और तीन गुणा ए बी तो ए बी कितना है ए बी आपके पास तीन है और ए प्लस बी कितना है ए प्लस बी पांच है ना तो ये आ गया आपके पास वन ट्वेंटी फाइव पांच का पंद्रह पंद्रह का तीन गुना पैंतालीस पैंतालीस इसमें से आप घटा देंगे तो आपको एक क्यूब प्लस BQ की वैल्यू पता चल जाएगी तो अस्सी आंसर आएगा क्या एट्टी इज दी आंसर अस्सी आपके प्रश्न का बिंदास आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो हम्म अच्छा सौ रुपए चढ़ा के आशीर्वाद मांगना चाह रहा है आशीर्वाद वैसे ही दे देंगे ठीक है सिंपल है भाई वैल्यू पुटिंग तीन ए बी की जगह आपने ए बी की वैल्यू तीन रखी ए प्लस बी की जगह पांच रखा पांच दिया पंद्रह पैतालीस पैंतालीस प्लस से इधर आके माइनस आंसर इज सी एट्टी अगला एक और सेम क्वेश्चन जल्दी से वैल्यू पुटिंग करिए ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी मान रखिए आंसर बताइए फटाफट हम्म जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया है जल्दी से लाइक दबाइए आंकड़ा दस हजार के पार तत्काल होना चाहिए ठीक है और अगर आपने अभी तक अपने स्टेटस पे ग्रुप्स पे शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर भी कर दो ले आओ सबको मैदान में अपने दोस्तों को भी पता चल जाएगा किसकी कितनी तैयारी है ठीक है मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है भाई मध्य प्रदेश वालों खासकर जो पड़ेगा जो तलवार की धार बनाए रखेगा वही जीतेगा लापरवाह लोग इतनी दूर जाके गिरेंगे कि सूर्य की किरण भी नहीं पड़ेगी उनके ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी भयानक वाली हाँ जी a- माइनस बी की वैल्यू चार चार का घन चार का घन कितना हो गया चौसठ कोई महापुरुष पूछ रहे हैं पिछले सवाल में 125 सौ कहां से आया प्रभु आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए प्लस बी का मान पांच है पांच का घन 125 है ना थोड़ा तो हमारे को बख्शो यार चार का घन चौसठ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए बी की वैल्यू दो है और a माइनस बी की वैल्यू चार है तो ये आ गया तुम्हारा चौंसठ चार दुनिया आठ तिया चौबीस चौबीस गया सो द आंसर इज वट अच्छा माइनस है सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस है इस बार इधर आके प्लस हो जाएगा तो छह दो आठ और आठ एट्टी एट इज आंसर अठासी आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत परेशानी के आगे बढ़ेंगे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर बहुत गजब का सवाल मजा आ जाएगा इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चार है एक्स गुणा वाई की वैल्यू छ है एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब देखो मैं इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या आएगा यह यहां पे कभी आपसे पूछना चाह रहे हैं ठीक <laughs> है चलो हम क्या दिया है उस पर समझना तो आपको एक छोटी सी बेसिक टिप बताता हूं मैं अगर आपको एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जोमेट्री प्रकार के चैप्टर अच्छे करने हैं तो सबसे जरूरी केवल एकमात्र चीज है और वो है प्रैक्टिस आपको हर चैप्टर के कम से कम 200 से 400 सवाल हल करने पड़ेंगे तब जाके एडवांस मैथ्स क्यों लोगों का अच्छा नहीं होता उसके पीछे पहला कारण है कि वो 20, 30, 40 सवाल करके सोचते हैं मुझसे चैप्टर बन जाए नहीं होगा प्रतिशत लाभ हानि एक बार बन जाए लेकिन एडवांस इतनी जल्दी नहीं होगा एडवांस अच्छा में तो आपको हर चैप्टर के 200 से 400 सवाल लगाने पड़ेंगे है ना और सीखने में भला है आपको जो परीक्षा भी आगे देनी है उनमें आएंगे ही इसके प्रश्न सीखने में भला है आप सोचो कि इसको मैं ना पढूं और सिलेक्शन ले लूं बहुत दिक्कत होगी आपको आप मर जाओगे परीक्षा में आप बोलोगे काश पढ़ लेते इसलिए अभी समय है कर लो अच्छा समय तो देना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा तो इतने सवाल आपको करने पड़ेंगे तो पहले बेसिक पढ़िए और फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए चीजें आपसे हंड्रेड परसेंट बनेगी एडवांस मैथ्स कठिन नहीं है लोग पढ़ना नहीं चाहते कठिन नहीं है ये बस लोग पढ़ना नहीं चाहते पढ़ लोगे बनने लगेगा चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे बताइए क्या एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है ये बेसिकली क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे आ जाओ अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानीस बी क्यूब ये अपने आप में एक फॉर्मूला है? है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने आप में फॉर्मूला है जिसको मैं बोल सकता हूं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसी सज्जन को इसमें कोई तकलीफ हो तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब a minus b a2 b2 ab मैंने सिंपल फॉर्मूले लिखे और कुछ नहीं करा अब आगे देखो इससे ये गया तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है ऊपर क्या बचा ऊपर बचा x plus y अब नीचे भैया दिमाग लगाना है अगर उन्होंने ये दो चीजें दी हुई हैं मतलब इनका यूज तो होगा और अलजेब्रा में बस यही सोचना पड़ता है कि इनको कैसे यूज करें है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है जबकि इन्होंने एक्स प्लस वाई दिया है वापस से ए प्लस या माइनस बी के स्क्वायर वाली कुछ चक्री चलानी पड़ेगी तो मैं काम करूंगा देखो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, आपको पूरा करके बता रहा हूं अगर अगर इस सवाल में एक बार टू एक्स वाई और एक बार माइनस का टू एक्स वाई लिख दूं तो चल जाएगा क्या इसमें मैंने एक बार प्लस का टू एक्स वाई लिखा एक बार माइनस का टू एक्स वाई लिखा चल जाएगा क्या किसी को बुरा तो नहीं लगेगा अब मुझे बताओ यहां क्या होगा देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई ये क्या बनेंगे मेरे भाई ये ऊपर तो तुम्हारा एक्स प्लस वाई चल रहा है इसकी तो चिंता ही मत करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स एक वाई अपने आप में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे x प्लस वाई का मान पता है मुझे x स्क् और y स्क्वायर का मान नहीं पता तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे x y को प्लस वाई में बदले ताकि इसका यूज कर सके है ना ये हो गया अच्छा माइनस टू एक्स वाई में से प्लस का एक्स वाई गया तो आपके पास बचा माइनस का एक्स वाई अब आपके पास जो संसाधन है उनका प्रयोग कर लो एक्स प्लस वाई कितना है एक्स प्लस वाई है चार एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी चार का वर्ग सोला और एक्स वाई, एक्स वाई वाई कितना है है, तो ऊपर आ गया चार सोलह में से गया तो या गया कितना दस चार बटे दस को क्या लिख सकते हो दो बटे पांच टू अपॉन फाइव ए वाला इज दंसर खेल समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करेंगे <coughs> दो बटे पांच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैं आपको सब चीजें लिख लिख के बता रहा हूं इसलिए चीजें ज्यादा बड़ी दिखेंगी ये चीजें सब दिमाग में हो जाती हैं प्रैक्टिस होने के बाद पर मुझे अभी आपको हर चीज लिखकर बतानी पड़ेगी ठीक है जी हम्म आया समझ में प्लस माइनस इन दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई से एक्स प्लस A का A का A प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई में से प्लस का एक्स वाई गया दो में से एक गया तो केवल बचेगा माइनस का एक्स वाई क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है एक्स एक प्लस वाई का मान चार दिया है एक्स प्लस वाई का मान चार चार का वर्ग सोलह एक्स वाई की वैल्यू छे सोलह में से छे गया दस दो बटे पांच टू बाई फाइव इज दी आंसर ठीक है डन चलो बढ़िया आ जाओ छठवे सवाल पे ये सवाल मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी एनालिसिस में भी आपको करवाया था मॉक टेस्ट एनालिसिस में सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था हम्म <laughs> जल्दी जल्दी पढ़ाओ नहीं ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना है खासकर उन लोगों का जिनको इससे डर लगता है तो मैं उन लोगों को ही ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जो इनसे डरते हैं लेकिन आप आज की क्लास अटेंड करोगे आखिरी में आप बोलोगे सर एडवांस में सीखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपकी आपने आज की क्लास अच्छे से ले ली ठीक है मैं मैथ्स से, से डरता था इसलिए दसवीं के बाद मैंने साइंस लिया था ग्रेजुएशन कॉमर्स से, से किया था तो मुझे पता है कि दसवीं के बाद लोग क्यों सब्जेक्ट बदलते हैं तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही उन लोगों का उत्थान करना है मोक्ष दिलाना है जिन्हें मैथ्स से, से डर लगता था ठीक है लेकिन अब नहीं डरोगे तुम मैं हूं अब आप लोगों के साथ नौ हजार है और सत्रह हजार लोग देख रहे हैं देख लिया भाई इसको आपको फैक्टराइज करना है गुणनखंड करना है सुनिएगा मेरी बात क्या दिमाग हम यहां पे लगाने वाले हैं थोड़ा सा इसको मैं साइड कर दूं ताकि जगह मिल जाए देखो आप अगर इस माइनस के टू एक्स वाई को ब्रेकिट में ले जाओ कोष्टक में ले जाओ बुरा तो नहीं लगेगा इसको अंदर ले जाओ क्योंकि माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस की जगह प्लस का टू एक्स वाई सोचो अगर टू एक्स वाई के अंदर चला गया क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है लेकिन जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा ना क्योंकि जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तभी तो बाहर माइनस का टू एक्स वाई निकलेगा तो हम सही जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना अब इसको देखकर फिर मुझे एक चीज याद आ रही है कि ये तो अपने आप में x प्लस वाई का स्क्वायर है हाँ या ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप बोलोगे सही बात है सर कोई दिक्कत नहीं है है ना फिर मुझे बताओ कि अगर एक को मैं एक का वर्ग भी लिख दूं तो चलेगा क्या एक का वर्ग कर दूं घन कर दूं कितनी भी घात कर दूं उसको तो बुरा लगेगा नहीं एक की पावर कुछ भी हो वो एक ही रहेगा लेकिन इससे मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो गया मैंने ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार घटा दो तो दोनों को जोड़ दो ए मतलब एक बी मतलब एक्स प्लस वाई ए मतलब एक और बी देखो माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस वाई है क्या किसी ऑप्शन में वन प्लस एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई डी वाला इज दी आंसर डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर है बिना किसी दिक्कत परेशानी के ठीक है ओके okay. सिर्फ हमने टू एक्स वाई को अंदर ले गए काम हो गया अपना ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर ये अपने आप में ए है और ये अपने आप में बी है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी एक बार दोनों जुड़ेंगे तो ये ए का मान क्या है यहां पे ए का मान वन है और बी का मान ए प्लस बी है सॉरी एक्स प्लस वाई है ना तो एक बार जुड़ेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी डी आपका आंसर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे सवाल नंबर सात आपके सामने थ्री की पावर टू एक्स माइनस सोलह चार की पावर एक्स माइनस फाइव बराबर चौसठ में एक्स का मान क्या है चलो करें चलो आ जाओ देखो एक बात समझो आप आपको मैंने एक बात पहले भी कही होगी या चलो पूरा डिटेल में ही समझा देता हूं थ्री की पावर टू एक्स माइनस सोलह और फोर की पावर एक्स माइनस फाइव है और इधर क्या लिखा है इधर चौसठ लिखा है चौसठ का मतलब होता है फोर की पावर थ्री अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई यहां पे चार है इधर चार है इधर तीन है तो इधर क्या मैं थ्री की पावर जीरो लिख सकता हूं है ना थ्री की पावर जीरो से क्या फायदा है कि थ्री की पावर जीरो का मतलब हुआ एक और एक का गुणा होगा तो ये चौसठ का चौसठ ही रहेगा तो मैंने चौसठ पे कोई आंच नहीं आने दी और अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लिया इधर तीन है तो इधर भी तीन है इधर चार है तो इधर भी चार है अपना काम बन गया हमने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर लिया अब आप कंपेयर कर लो इसको बोलते हैं यानी तुलना करना। कंपेयर करो। तो आप यहां पे क्या करोगे आप 4 को 4 से तुलना कर सकते हो और इसको आप जीरो से तुलना कर सकते हो बेटर है चार को चार से तुलना कर लो तो आपको पता है कि अगर x की पावर m बराबर x की पावर n हो तो m और n को बराबर लिख सकते हैं दोनों की घात को बराबर लिख सकते हो तो एक्स माइनस फाइव बराबर किसके हैं तीन के पांच उधर गया तो पांच और तीन क्या आ गया भैया आठ बी इज आंसर बी आपका आंसर है इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और मेथड से भी मैंने बता दिया आप ऑप्शन रख रख के भी देख सकते थे लेकिन उससे जल्दी मेथड से हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है आई थिंक आंसर आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या आएगा आठ माइनस पांच उधर जाएगा जुड़ जाएगा पांच और तीन आठ इट इज दी आंसर ठीक है चले आगे अगला सवाल देखेंगे क्या बात है मस्त सवाल है एस एस सी एम टी एस दो हजार उन्नीस और अगला आपको एक और टिप दे रहा हूं मैं लिखते जाना एक कॉपी में कहीं जब जब मैं कहूं कि टिप्स लिख लिया करो एक टिप थोड़ी देर पहले दी थी एडवांस को अच्छा कैसे करना है अगला मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न कठिन दिखे मतलब समझ लो उसमें कुछ खतरनाक लॉजिक है जिससे वो सरल होगा हर कठिन दिखने वाला प्रश्न सरल होता है बस कठिन देख के हम मन में कठिनाई समझ लेते हैं तो वो सवाल नहीं बनता ये सवाल इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं आपको देखो आप यहां पे अगर देखेंगे अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा मैं आपको एक इक्वेशन पूरा हल करके बता रहा हूं आपको थोड़ा सा द्विघात समीकरण का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बेसिक समझ लो कैसे यह प्रश्न को आसान बनाएंगे द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है सुनिएगा बात बहुत प्यार से जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं इसको ले लेते हैं इस वाले को देखना एक स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह है ना बराबर में थोड़ी देर के लिए जीरो ले लो तो हम स्कूल में बहुत लंबी मेथड चलाते थे कि ऐसी संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे बारह आए सॉरी सात आए गुणा करने पे बारह आए तो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं चार और तीन चिन्ह का बड़ा विशेष महत्व है एक संख्या चार ले लें एक तीन ले लें लेकिन माइनस चार और माइनस तीन लेंगे माइनस चार और माइनस तीन के माइनस का सात माइनस चार और माइनस तीन का गुणा होके प्लस का बारह दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको पता चल गया कि एक एक्स माइनस फोर है और एक एक्स माइनस थ्री है ये इस द्विघात समीकरण के दोनों गुणनखंड हो गए फैक्टर्स हमने निकाल दिए इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए बात समझ आ रही है? है ना भाई चार और तीन सात वो भी माइनस का और चार तिया बारह वो भी प्लस का तो सही जा रहे हैं हम समझ में आ गया और एक्स लगा दोगे दोनों की तरफ तो ये गुणनखंड हो गए और ज्यादा जानकारी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी दिन पढ़ लेना सब समझ में आ जाएगा अब देखो खेल मुझे यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं बस आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो दम नहीं है सवाल में बिल्कुल भी सवाल अब शायद आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा पांच और छह है पांच कब आएगा जब एक माइनस तीन होगा और माइनस का दो होगा तीन और दो पांच है ना और तीन दुनी छे नीचे आ जाओ तीन और दो कब आएगा जब एक होगा x माइनस टू और x माइनस वन दो एक दो और दो और एक तीन चलो देखो भाग हमेशा गुणा में बदलता है और भाग अगर गुणा में बदला तो संख्या उल्टी हो जाएगी पलट जाएगी है ना ऊपर नीचे हो जाएगा ये वाला ऊपर वो वाला नीचे तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया था अभी आपको याद हो तो यह आएगा चार और तीन है ना चार और तीन सात और चार तिया बारह लेकिन नीचे यहां माइनस पांच है और प्लस का चार है तो मैं कहूंगा माइनस का चार और माइनस का वन चार एकम चार और चार और एक पांच अब काटा पीटी पे आ जाओ देखो क्या कर सकते हो दो से दो गया तीन से तीन गया एक से एक गया चार से चार गया कुछ नहीं बचा द आंसर इज वन वन इज द राइट आंसर नो दिक्कत नो परेशानी आया मजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप जानते हो तो बड़ा आसान है को दिक्कत ना ही। ठीक है चलिए नौवा सवाल आपके सामने एक और आराम से आसानी से हो जाएगा इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम अब शायद और बेटर दिख रहा होगा आपको ए प्लस बी की घात चार बी प्लस सी की घात चार सी प्लस ए चार ए बी सी और चार ठीक है मजा आ रहा है अभी देखते जाओ अब थोड़ा सा आपको अब जरा अब जरा ठंड कम लगेगी आपको चले देखें देखो चार का गुणा इन दोनों में होगा ए में भी और बी में भी तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की घात फोर ए प्लस फोर बी गुणा इस चार का गुणा इन दोनों में इस चार का गुणा इन दोनों में है ना तो ये हो जाएगा एक्स की घात फोर बी और फोर सी फिर एक्स की घात फोर सी और फोर ए नीचे चलो चार का गुणा तीनों में करना जरा तो एक्स की घात फोर ए फोर बी फोर बी और फोर सी अरे यार एक्स की घात फोर सी अभी मैंने कुछ भी नहीं करा चार का गुणा बस किया है ना फिर आप जानते हो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं तो सबके आधार समान है भैया पहली फुर्सत में जोड़ दो चार ए और चार ए आठ ए फिर चार बी और चार बी क्या हो जाएगा आठ बी है ना फिर चार सी और चार सी ये भी क्या हो जाएगा आठ सी और नीचे क्या है चार ए चार बी और ये सब तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी ठीक है अब यहां थोड़ा सा दिमाग और लगाइए कि क्या आप यहां से आठ कॉमन ले सकते हो तो यहां से कॉमन निकलेगा आठ और बचेगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी और यहां पे बचेगा चार और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी है ना अब इसके आगे जगह कम है तो मैं आपको यू ही बता देता हूं आपको भी दिखने लगा होगा कि ऊपर आठ बार ए बी सी है और नीचे चार बार ए बी सी है आठ में से चार जाएगा तो केवल आठ में से चार गया तो बचेगा चार की घात एबीसी मतलब एक्स की घात चार ए प्लस बी प्लस सी यह हो गया आया मजा पहले हमने इस चार का गुणा सब में किया इस चार का गुणा भी तीनों में कर दिया फिर आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी तो फोर ए फोर बी फोर सी और सब जुड़े तो एट ए एट बी एट सी में एट कॉमन नीचे तो चार 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 है तो चार कॉमन आठ में से चार गया चार बचेगा सो आंसर इज एक्स की पावर ए प्लस चार ए प्लस बी प्लस सी जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है आपको सर्ड जिंडाइसिस घातांक करने का एक नियम पता होना चाहिए कि अगर x की पावर m है और x की पावर n है तो m माइनस एन होता है यह नियम हमने यहां पे लगाया है सर्ड जिंडाइसिस का आठ बार चार बार आठ में से चार गया चार बचेगा आंसर है चलिए प्रश्न नंबर दसवा आपके सामने दिखने पे मत जाना बहुत आसान है ये वाला दिखने पे मत जाया करो बार बार आपको एक ही बात कहूंगा मैं मजा आ रहा है हां क्या बात है एक घंटा हो गया सात बज गए कटेगा नहीं मेरे भाई कटता नहीं है बात निकली है तो हम आपको समझा देते हैं कभी ऐसा आया कि पांच की घात आठ और पांच की घात चार तो कई महापुरुष क्या कह रहे हैं कि सर चार दुनी तो आठ होता है पांच की घात दो होता है अगर तुम सामने होते ना तुम्हारे हाथ पैर बांधते और इतने तुम्हें डंडे पड़ते कि क्या बताएं स्कूल में तुम्हारा ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है ये उसी के दुष्परिणाम है अगर कभी ऐसा होता है ना तो आठ में से चार घटेगा है ना तो पांच की घात चार बचेगा अपने मन से नहीं करना है कुछ ठीक है <laughs> चले देखें देखो एक चीज यहां पे समझो दो का वर्ग कितना हो गया चार एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी को क्या ए माइनस बी लिख सकते हैं ध्यान से देखो और फुल स्क्रीन पे पढ़ो मत इतना कमेंट करो फुल स्क्रीन पे पढ़ो मजा आएगा पढ़ने में है ना और एकदम ऑफलाइन का फील आएगा ऐसा लगेगा कि आदित्य सर बस मुझे ही पढ़ा रहे हैं है ना तीन का वर्ग नौ और ये भी हो गया आपका बी माइनस सी और बी प्लस सी देखो किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो तो उसको उल्टा कर दो तो प्लस बन जाता है छह का वर्ग है तो छह का वर्ग नीचे चला जाएगा तो छे का वर्ग क्या बनेगा छत्तीस और ये भी हो जाएगा आपका c- माइनस ए और c+ प्लस ए मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलो अब आगे सुनो अब ये बताओ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ये होता है आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हा या ना इसी प्रकार अच्छा नौ और चार छत्तीस से छत्तीस तो गया उसकी चिंता छोड़ दो तो उसको तो भूल जाओ यहां आ जाओ तो ये हो गया आपका b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और ये हो गया आपका सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बात समझ आ रही है आधार समान होने पर घाते जुड़ेंगी है ना आधार समान होने पर घाते जुड़ेंगी तो आपका क्या होगा देखो ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट जाएगा बी से बी कट जाएगा प्लस और माइनस सी से सी कट जाएगा तो कुल मिलाकर कुछ नहीं बचेगा ना भाई जीरो बचेगा है ना और किसी भी नंबर की घात जीरो का मतलब क्या होता है एक होता है वन इज आंसर एक इज दी राइट आंसर ठीक है आज जो टेस्ट हुआ उसका एनालिसिस कल रात को करेंगे अपन हर सोमवार को ही तो कराता हूं उसका एनालिसिस आया भाई समझ में वन इसका बिल्कुल सही आंसर है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म अगर प्लस माइनस में कुछ नहीं बचता तो उसको जीरो बोलते हैं और जीरो का मतलब क्या होता है एक किसी भी नंबर की घात जीरो है यानी वन माना जाएगा अगला सवाल <laughs> मजा आ रहा है सभी पापा की परियों को और मम्मी के मगर मच्छों को हेलीकॉप्टरों को पावर जीरो होगी कभी भी प्लस माइनस में चीजें कटती पिटती हैं तो एक बचता है और गुणा होता है तो जीरो बचता है गुणा में जीरो बचता है प्लस माइनस में एक बचता है फोर ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गमूल के अंदर है और बी का स्क्वायर देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं साइड कर देता हूं देखो कुल मिला के इसको हल करना है मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए इसलिए प्रश्न को मैं दबा रहा हूं है ना ध्यान से समझना आपसे कहा गया है फोर ए का स्क्वायर और नीचे आपके पास है फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा वर्गमूल में और प्लस का भी अलग है फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लस का भी बाहर है वो वर्गमूल के अंदर नहीं है ठीक है जी चलो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शास्त्रों में एक सूत्र लिखा गया है जिसका नाम है परिमयीकरण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन परिमयीकरण रैशनलाइजेशन नाउ वट यू मीन बाय रैशनलाइजेशन तो इसमें क्या होता है ये पूरा एक भाग है ये दूसरा भाग है अगर यहां प्लस लगा है तो उसी को माइनस बना के अंश बटे हर उसी का गुणा उसी का भाग है ना तो जैसे यह है तो हम क्या करेंगे यहां पे कहेंगे फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वर्गमूल में और प्लस का बी तो प्लस का बी क्या बनेगा माइनस का बी इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा प्लस है तो दोनों जगह सेम चिन्ह आता है ना तो फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का बी और ये वर्गमूल में दिस इज कॉल्ड परिमयीकरण रेशनलाइजेशन परिमयीकरण ठीक है चलो आगे बढ़े अब देखो यहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो देखो हम यहां पे क्या करेंगे ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है अच्छा ऊपर देखो क्या है ऊपर आपके पास है फोर ए का स्क्वायर गुणा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और वो भी वर्गमूल में खेल तो नीचे चल रहा है ठीक है मजा तो नीचे आएगा आपको अब समझना क्या कर सकते हैं यहां पे मुझे एक बात बताओ a प्लस बी ए माइनस बी तो इसका स्क्वायर करेंगे फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वर्गमूल का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है तो केवल बाहर क्या निकलेगा फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर समझ में आ रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का मैंने सूत्र लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये पूरा ए है और इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा इसलिए स्वतंत्र हो गया अब देखो आगे अब क्या करेंगे प्लस और माइनस भी गया है ना जब ये चला जाएगा तो फोर ए स्क्वायर ऊपर बचेगा नीचे फोर ए स्क्वायर बचेगा ये भी कट जाएगा है ना और अगर ये भी कट जाएगा तो आपके पास ये भी गया आखिरी में जाके कुल मिला के यही बचेगा है क्या ऑप्शन में थोड़ा सा इसको इधर खींच लेते हैं है ना देखो वो वाला ऑप्शन आ गया आपका कौन सा वाला बी वाला ऑप्शन बी इज आंसर ठीक है जी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हम्म परिमयीकरण में जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है चिन्ह बदल के उसी का मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन परिमयीकरण ठीक है? बी सही है फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी यही बचेगा भाई ये चले जाएंगे तो ये और ये भी कट जाएंगे तो केवल वही बचेगा आंसर आ जाएगा अगला सवाल ग्यारह माइनस तीन रूट आठ बराबर ए प्लस बी वर्गमूल में है तो टू ए प्लस थ्री बी का मान ज्ञात करिए इसको याद रखना बहुत काम की चीज है ये और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट एक होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालना हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग वाला कंसेप्ट ये इस पर आधारित प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अभी हल करना सिखाऊंगा बहुत आसानी से ठीक है मजा आ रहा है कितने लोगों को अच्छा फील हो रहा है एक बार जरा मुझे हाथ उठा के बताओ हाँ या नाम में बताओ मतलब हाथ तो क्या उठाओगे तुम कितने लोगों को अच्छा लग रहा है आज टेस्ट नहीं है वो कल पे चला गया है क्लास के कारण हम्म ब्लर दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो और एक बार आज पूरा पढ़ो और कल एक बार रिवीजन करना मजा आएगा आपको दिमाग में छप जाएगा और जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन को नहीं ठोका है लाइक के बटन का प्रयोग करें और बीच में टाइम निकाल के अपने स्टेटस पे जल्दी से चुपके से जाके लिंक डाल के वापस भागाना वेरी गुड मजा आ रहा है बहुत सारे लोगों को तो चलो भैया एक और नई चीज सीखने को आपको मिलेगी परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट या जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग का कंसेप्ट क्या बला है आ जाओ इधर देखो पहले तो एक बात समझो हम उल्टा चलते हैं यहां पे मुझे एक बात पता है कि अगर A का का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी अगर कहीं मिल जाए और इसके ऊपर अगर वर्गमूल लगा हो है ना समझना इसको हम उल्टा लेके चलते हैं ये रिवर्स भागता है उल्टा भागता है का का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी अगर आपके पास कभी है So, हम इसे कहेंगे a प्लस बी का स्क्वायर और इस पे लग जाता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है तो आपका a प्लस बी स्वतंत्र हो जाता है तो आपको इसको क्या करना है आजादी दिलानी है स्वतंत्र करना है है ना इसको जेल से बाहर निकालना है तो ऐसे उल्टा चलेंगे अगर यहां पे लेट से कि माइनस होता तो ये भी आपका क्या हो जाता a माइनस बी हो जाता तो ये भी क्या हो जाता भाई ए माइनस बी है ना स्वतंत्रता दिलानी है अब देखो खेल इसके आगे लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताना सिर्फ इतना बताना केवल इसको ध्यान से देखना क्या थ्री रूट एट को मैं चार दुनिया आठ लिख सकता हूं आठ को चार दुनिया आठ लिख सकते हैं आप बोलोगे सर लिख लो इस चार का मतलब हुआ कि ये चार किसका वर्ग है भाई दो का तो अंदर क्या बचेगा केवल दो बचेगा तो बेसिकली ये क्या है ये है सिक्स रूट टू जो तुम्हें थ्री रूट एट दिख रहा है वो मुझे सिक्स रूट टू दिख रहा था अब आपको भी दिख रहा होगा आठ का मतलब चार दुनिया आठ चार वर्ग होता है दो का तो दो बाहर जाएगा दो और तीन का गुणा होगा सिक्स रूट टू बनेगा अब आ जाओ रियल प्रश्न पे अब पूरा प्रश्न देखेंगे और इसको हम कंपेयर कराएंगे इसको हम तुलना कराएंगे कैसे कराएंगे वो कला मैं आपको सिखाऊंगा देखो इलेवन माइनस थ्री रूट एट ठीक है तो थ्री रूट एट को हम क्या कहेंगे सिक्स रूट टू और पूरे पे क्या है वर्गमूल है है ना क्योंकि माइनस है तो मुझे इसको कैसे भी करके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी में कन्वर्ट करना ही करना है ये कन्वर्ट हो जाएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर बनके ये स्वतंत्र हो जाएगा आजाद परिंदा बन जाएगा ये। और यही चाहिए मुझे तो मुझे कैसे भी करके a का वर्ग प्लस b का वर्ग वर्ग में इसको कन्वर्ट करना है उसमें आपकी मुझे मदद लगेगी सोचो ऐसी संख्या कि a और b की जगह क्या रखें कि ये बन जाए और इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं एकदम जड़ बता रहा हूं जो कोई नहीं सिखाता आप हमेशा टू ए बी को इससे कंपेयर करा करो देखो दो तो आएगा आए ही आएगा अगर दो निकल गया तो क्या बचेगा तीन और रूट टू देखो टू ए बी टू ए बी तीन दुनी और रूट टू तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये छुपा हुआ था देखो ये हो गया तीन का वर्ग और रूट दो का वर्ग नहीं आया क्या समझ में ये ए है ये बी है हो गया काम अपना ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है ना तीन का वर्ग नौ रूट दो का दो नौ और दो ग्यारह संतुष्ट हो गया ये तो ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये गया तो अब मुझे बाहर क्या निकला मुझे मिला थ्री माइनस रूट टू जो किसके बराबर है ये है इसके बराबर किसके बराबर ए प्लस बी रूट टू के तो क्या अब आप ए और बी के मान बता सकते हो बिंदास बता सकते हो है ना ए का मान ए का मान यहां तीन होगा रूट टू से रूट टू अगर कंपेयर हो गया तो बी का मान माइनस का वन होगा देखो ए का मतलब तीन है और बी रूट टू का मतलब माइनस का रूट टू है तो रूट टू से तो रूट टू कंपेयर हो गया बी का मतलब क्या होगा वन तो इस प्रकार मुझे पता चला कि ए और बी की वैल्यू क्या है तीन और माइनस का वन है रख दो मान यहां पे देखो इसमें रखेंगे तीन दुनी छ है ना और तीन एकम तीन तो आंसर तीन आना चाहिए क्या छह में से तीन गया तीन आंसर आ जाएगा आया ठीक है, तीन बिल्कुल सही है है ना भाई हमने इस सिक्स रूट टू को लाए वो मैंने आपको सिखाया कहां से आया वो आपको पता चली गया है ना इससे पकड़ में आया कि अगर छ को तोड़ना है तो दो ते दो है तो दो तो आएगा और दो निकल जाएगा तो क्या बचेगा तीन और रूट टू तो पता चल गया कि एक तीन है और एक रूट टू है तो a माइनस बी का स्क्वायर आ गया a का मान तीन है b का मान माइनस एक है ए का मान रख दिया बी का मान रख दिया छ में से तीन गया आंसर क्या आ जाएगा आंसर तीन आ जाएगा थ्री इज राइट आंसर ठीक है कौन रो रहा यार ये कमेंट में कौन रोता रहता है कौन है रोतलू बालक की बालिका सृष्टि शर्मा तुम रोना बंद करो है ना हमें रोतलू बालक और बालिकाएं पसंद नहीं है ब्लॉक कर देंगे हम तुम्हें ये सिर्फ रोते रहते हैं सर यहां तो सब बन जाता है खुद से करते तो बनता नहीं तुम रोना ही सीखो बस जीवन में रोते रहो कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता रोतलू लोगों का कोई साथ नहीं देगा अगला सवाल ए और बी समानता रूट टू प्लस वन टू माइनस वन है और ए प्लस बी रूट टू में परिमेय संख्या है तब ये। देखो लगभग सेम सवाल है कंपेयर तो करना ही है तुलना तो करना ही है लेकिन परिमेयीकरण भी करना है रैशनलाइजेशन करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था याद है क्या देखो हिंट करता हूं मैं आपको रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन माइनस है तो एक बार गुणा में प्लस और इधर भी क्या हो जाएगा प्लस करो जल्दी से परिणीकरण मैं पानी पी लेता हूं चलो समझे देखो आप यहां पे क्या करोगे a प्लस बी ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हाँ या ना सही है बात इतनी ठीक है ऊपर सेम है ना तो ए प्लस बी ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर होगा तो टू आएगा वन का होगा तो वन आएगा है ना? और ए प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए और बी यही होगा रूट टू का वर्ग अब मैं डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट लिख दूं तो चलेगा ना रूट टू का स्क्वायर फिर काटूंगा फिर दो लिखूंगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया रूट टू का स्क्वायर यानी टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी और दो में से एक गया तो नीचे का तो काम खत्म हो गया भैया है ना तो देखो दो और एक क्या हो गया तीन और क्या हो गया टू रूट टू और नीचे क्या है वन इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है और ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा तुम्हारा ए प्लस बी रूट टू के है ना तो आप जल्दी से बताओ कि यहां पे एक देखो बी का मान क्या है दो है और ए का मान क्या है तीन है ए का मान तीन और बी का मान दो क्योंकि रूट टू से रूट टू कंपेयर हो गया इसको काटना नहीं बोलते इसको कंपेयर करना बोलते हैं तुलना करना बोलते हैं हां तो ए और बी के मान क्या है तीन और दो सी आपका आंसर है सीख गए बन गया आप लोगों से भी ठीक है चलो समझ गए बात अगला सवाल ये देखो भाई बेहतरीन सवाल एक और आपके सामने हम्म ये देखो फिर कोई बीच में कड़वा कड़वे प्रवचन सुनने आया है शॉर्ट ट्रिक बताओ अभी मूड अच्छा है यार तो मत छेड़ो बार बार ठीक है शॉर्ट ट्रिक बता दो इनको कोई इनका बस चले ना तो ये इतने आलसी हैं कि ये इनका बस चले तो ये कहें सर कोई खाना खिला दे हमसे ना खाना उठा के खाया नहीं जाता कोई खाना खिला दे और बस चले तो उसके आगे भी है पर वो यहां बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ठीक है लेकिन आलसीयों के लिए कोई भी काम जो है आसान नहीं हो सकता <laughs> चलो यहां पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है ना यहां पे अगर मुझे ए का मान पता चल जाए और बी का मान पता चल जाए तो मैं आराम से इसका आंसर बता सकता हूं क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है ना अगर ए का मान हम पता चल जाए मतलब कि उसको हल कर लें बी का मान पता चल जाए यानी उसको हल कर लिया जाए तो आ जाओ परिमयीकरण करो और काम हो जाएगा अपना है ना और क्या कर सकते हो यहां पे आप एक दिमाग और लगा सकते हो जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास है एक बार टू ए बी जोड़े और एक बार टू ए बी को घटा दें तो देखो क्या होगा ठीक है तब भी देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार है ना ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस का टू ए बी क्या बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर और टू ए बी और ए बी क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा थ्री ए बी है ना तो अगर ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अगर मुझसे पूछा है तो मैं उसमें ए सी छेड़छाड़ कर सकता हूं क्या प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी यह बन जाएगा और थ्री ए बी बन जाएगा अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सुनना मेरी बात अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस सवाल में अगर ए का और बी का गुणा करें तो क्या आएगा आपको पता है अगर ए गुणा बी करें तो क्या आएगा पता है एक आएगा क्यों आएगा जब इनका गुणा होगा तो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए गुणा बी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा हा या ना ठीक है हाँ अब हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है ए माइनस बी है ना इनको आपस में क्या करना है घटाना है और घटाने के बाद जो मिलेगा उससे अपना काम बन जाएगा है ना तो चलो इनको घटा लेते हैं यह तो पता चल गया आपको तीन गुणा ए बी का मान कितना है वन है चलो हल करें यह तो समझ गए आप यही कर देता हूं मैं ना रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन और इधर आ जाएगा सॉरी माइनस माइनस में रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन है ना एलसीएम आप देखोगे तो एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा रूट थ्री माइनस वन और अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर हाँ या ना ठीक है अब इसको आगे बढ़े तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइ प्लस का टू ए बी इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी बता रहा हूं और यहां क्या हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा ए का वर्ग ठीक है प्लस में हो जाएगा आपका बी का वर्ग यानी वो भी माइनस में ही जाएगा और माइनस का टू ए भी फिर से क्या हो जाएगा प्लस का टू ए भी लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इससे भी आपको समय लगेगा है ना तीन और एक चार तीन और तीन ये गया फोर ए भी हो गया एक काम करेंगे चलो इससे लंबा हो रहा है तो हम एक दूसरा काम करते हैं आप एक काम करें यहां पे इनको अलग अलग हल कर लो वो ज्यादा इजी रहेगा जो मैं बता रहा हूं उससे लंबा हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से शॉर्ट करते हैं आप तो अलग अलग सॉल्व कर लो तो देखो ए का मतलब क्या है ए का मतलब है रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन ए माइनस ए तो एक बार प्लस का गुणा सॉरी हां प्लस का गुणा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का गुणा ठीक है इनका जब गुणा होगा तो ये बनेगा रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए माइनस बी ठीक है तो ये हो गया ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी और नीचे तीन में से एक गया दो है ना और आगे बढ़े तीन और एक हो जाएगा चार कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई इसमें ना कोई शॉर्टकट नहीं है करना ही पड़ेगा यहां से आप दो कॉमन ले लोगे तो अगर आपने दो कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा यहां बचेगा टू प्लस रूट थ्री और नीचे का जो टू है वो कैंसिल हो जाएगा तो अंततः आपके पास क्या बचेगा टू रूट थ्री ये बचेगा आपके पास एक बार देख लो जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया ठीक है <laughs> क्या लिख रहे हैं ये महापुरुष चलो क्लियर ए प्लस बी ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी दो कॉमन निकलेगा दो से दो गया टू प्लस रूट थ्री बचा तो आपको पता चल गया कि ए का मान क्या आ रहा है टू प्लस रूट थ्री अब इसी प्रकार जल्दी से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे बी को तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए अगर इसका परिमयीकरण करेंगे तो क्या आखिरी में चिन्ह बदल जाएगा है ना अगर आप इसका परिमयीकरण करोगे क्योंकि चिन्ह उल्टा है तो आखिरी वाला चिन्ह बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हा या ना अब बात ठीक है ठीक है ए का मान अगर टू प्लस रूट थ्री है तो बी का मान क्या आएगा टू माइनस रूट थ्री ठीक चलो लेकिन अभी फिर समस्या है ए का स्क्वायर यानी टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी टू माइनस रूट थ्री का स्क्वायर और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी ए और बी का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा वन क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो जब ये दोनों का गुणा होगा तो ये कैंसिल होकर के क्या बन जाएंगे वन बन जाएंगे है ना अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको भी हम हल करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी मत लिखो इसको ऐसे ही रहने दो फिर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का टू ए बी है ना कैंसिल हो जाएगा तो चार तीन सात और सात चौदह और एक पंद्रह पंद्रह आपका आंसर आ रहा होगा ए इसका करेक्ट आंसर है ठीक है ये वाला ज्यादा इजी है जो हम कर रहे थे आंसर आ जाता लेकिन समय लग जाता यह वाला बेटर है हम्म ठीक है इसका अगर परिमयीकरण किया तो ये आया तो इसका करने की जरूरत नहीं है बस चिन्ह बदलेगा प्लस का माइनस हो जाएगा है ना फिर हमने यहां पे रखा कि भाई ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी और यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी टू ए बी को मैंने लिखा नहीं क्योंकि टू ए बी प्लस और माइनस का कैंसिल होना है तो चार तीन सात चार तीन सात और सात चौदह और ये एक इसका एक भी चल रहा है तो चौदह और एक पंद्रह पंद्रह आपका आंसर है थोड़ा ज्यादा समय अपन ने इसमें लगा दिया ठीक है <laughs> चलो अगला सवाल देखेंगे अच्छा आगे बढ़ने के पहले एक दो छोटी छोटी जानकारी दे देता हूं ये जो आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही टेलीग्राम पे मिलेगी द विनर्स इंस्टीट्यूट पे यहां से आप डाउनलोड कर लेना है ना और ये अपनी सारी चैनल्स हैं इनसे जुड़ जाना ये मैं आपको बता ही चुका हूं घर बैठे पढ़ना है तो विनर्स ऐप और इंदौर आके पढ़ना है तो पढ़ सकते हो और अपनी एडवांस मैथ्स की बुक लॉन्च हो चुकी है विनर्स की ऐप से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और पांच बच्चों को जो हम फ्री कोर्स दे रहे थे इसका कल शाम को सात से आठ विनर्स की ऐप पर टेस्ट रहेगा टेस्ट आज का मैंने कहा था लेकिन आज क्लास रख ली है तो ये टेस्ट कल होगा तो कल टेस्ट रहेगा शाम को सात से आठ विनर्स की ऐप पर फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर टेस्ट दीजिए अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको एक मनचाहा कोर्स मिलेगा चलिए अब यहां से आपका पैटर्न बदलेगा और अब चालू हो रहे हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स, वन बाई एक्स इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको सीखेंगे एक बार जरा इसको अच्छे से देख लीजिए इन सबके अभी प्रश्न आएंगे है ना और इसी को लेकर मैंने एक एल्जेब्रा की स्पेशल क्लास पहले ली है जिसको मैं हमेशा बोलता हूं टेन रूल्स ठीक है टेन रूल्स वाले जो प्रश्न होते हैं मैं हमेशा इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं एक क्लास मिलेगी उसमें ये इस प्रकार के जितने रूल्स हैं उन सब के बारे में बताया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है एक मिनट देखो आपसे अगर कहा गया है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू है तो एक्स की वैल्यू वन होगी इसका मतलब क्या है अगर कभी भी लिखा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो है तो यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू वन हो अभी प्रश्न करेंगे अपन लोग है ना इसी प्रकार अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो यह तभी हो सकता है जब x की वैल्यू माइनस वन हो दोनों जगह माइनस वन माइनस वन होगा तभी आंसर माइनस टू आएगा दोनों जगह वन और वन होगा तभी आंसर टू आएगा अगर कभी कहा है कि एक्स प्लस वन बायस की वैल्यू रूट तीन है तो एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन होती है क्यों होता है ये आगे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा ठीक है अभी एक प्रश्न आएगा इनका इन सबका प्रश्न आएगा वहां पर मैं इनका पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा अभी बस याद रखो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन होती है और अगर माइनस वन है तो ये हमेशा प्लस वन होता है तो ये छह नियम है पांच नियम है, इनको याद रखना इसके अलावा अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है तो स्क्वायर जाने के लिए स्क्वायर करके दो घटाते हैं और अगर माइनस से प्लस पे जाना है तो स्क्वायर करके दो जोड़ते हैं प्लस से क्यूब पे जाना है तो क्यूब करके तीन गुना घटाते हैं और अगर माइनस से माइनस पे जाना है तो क्यूब करके तीन गुना जोड़ते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उन्हें पता है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं सर अभी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कॉपी पेस्ट करने वाले रुक जाओ आपस में मत लड़ा करो मत टाइम खराब करा करो ठीक है अगला देखिए चलो सवाल देखिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पांच है तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है मैं एक छोटा सा आपको पहले सिखा देता हूं, जो मैंने मैंने कहा मैंने क्या कहा मान लीजिए x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू पांच है और मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक है संख्या का स्क्वायर करके दो घटा दो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है लेकिन कैसे होता क्या है कि जब आप एक्स प्लस वन बाय एक्स का वर्ग करते हो तो पांच का भी वर्ग करना पड़ता है तो ये क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर में पांच का वर्ग पच्चीस एक्स से एक्स गया और ये जो प्लस का टू है ये उस तरफ जाके क्या हो जाता है माइनस का टू हो जाता है सो द आंसर इज ट्वेंटी थ्री तो याद रखना कभी भी से पे जाना है तो संख्या का वर्ग करके हमेशा कितना घटा देते हैं दो ये बच्चे बच्चे को पता है लेकिन आप बोलोगे सर यहां इसको कैसे यूज करें वो मैं आपको सिखाता हूं देखो कभी भी ऐसा सवाल आता है आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पांच दिए छोड़ो आप इसको देखो x की घात चार प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और यहां भाग किसका देना है x की पावर फोर प्लस वन का अब ऐसे सवालों में थोड़ा सा जादू करना पड़ता है कभी कभी प्रश्न को देखते हुए ऊपर और नीचे दोनों में एक्स का भाग देना पड़ता है कभी कभी वर्ग का भाग देना पड़ता है कभी कभी घन का भाग देना पड़ता है कभी कभी चार का भाग देना पड़ता है प्रश्न पे डिपेंड करता है है ना और ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसे होगा अच्छा क्या बात है दीपक बहुत बहुत बधाई भाई बिल्कुल स्वागत है कभी भी आ जाओ आप मिलने दीपक शर्मा बोल रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूं मैं विनर्स से पढ़ के बहुत बहुत बधाई भाई खुशी हुई दीपक आदित्य पटेल विनर्स मेरी ईमेल आईडी है आदित्य पटेल विनर्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम उस पर मुझे मेल करना आपसे बात करूंगा मैं है ना चलो अब यहां पे क्या करेंगे हम इस प्रश्न को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें अगर मैं चार है तीन है दो है देखो दो है और यह है एक काम करते x square का भाग ऊपर भी देते हैं और x स्क्वायर का भाग नीचे भी देते हैं ऊपर भी x स्क्वायर का भाग देंगे नीचे भी एक भाग देंगे तो हमारे प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चलेगा है ना तो देखो सब में बारी बारी से x स्क्वायर का भाग देंगे चार में दो का भाग जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा तीन में एक दो का भाग जाएगा तो थ्री एक्स बचेगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो पांच बचेगा एक्स के देखो थ्री एक्स में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो तीन बटे एक्स बचेगा दो बार में से एक कट जाएगा और वन में भाग दोगे तो एक बटे एक्स स्क्वायर बचेगा नीचे आ जाओ चार में दो का भाग दोगे तो ये हो जाएगा और एक में इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा क्या बात समझ में आई आपके ठीक है समझ में आया मैंने सब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया ऊपर भी नीचे भी जगह कम है थोड़ा ध्यान से देखना देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर फिर इसको देखना थ्री एक्स और थ्री बाई एक्स में से अगर मैं तीन कॉमन ले लू तो ये क्या बचेगा पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स और क्या बचा पांच नीचे आ जाइए तो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर <coughs> चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर इनमें निकलेगा कॉमन तीन तो यहां बचेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स और यह आ जाएगा आपका पांच एज तो इट बताया था अब मान रख दो बस देखो यहां क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा ट्वेंटी थ्री ये एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स पांच पांच का तीन गुना क्या हो जाएगा पंद्रह और यहां पे भी पांच है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा पांच नीचे चले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्तना ट्वेंटी थ्री चलो फाइनली आंसर आ गया पंद्रह पांच बीस बीस इसमें जुड़ा सो द आंसर इज फोर्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी थ्री इज द राइट आंसर एक बार देखिए फिर से मैं आपको पूरा समझा रहा हूं चिंता मत करो एक बार मैं पूरा आपको रिपीट करूंगा एक ही बात बस याद रखिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है लेकिन पहली बार हम करेंगे तभी तो दिक्कत आएगी रिवीजन करोगे एक बार आप पूरी क्लास को फिर से देखोगे आपसे चीजें मजेदार तरीके से बनेंगी तो घबराना नहीं है चिंता नहीं करना ठीक है सुनिएगा एक बार फिर से पूरी कथा ये एक्स स्क्वायर का ही भाग देना है ये कैसे पता चलेगा ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से पता चलेगा इसकी चिंता मत करो आप तो अभी ये सोचो कि मान लो पता चल गया उसके आगे क्या करना है क्योंकि दो चार सवाल करेंगे सब बनने लगता है इसकी चिंता नहीं है है ना मैंने सब में बारी बारी से एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो ये हाल आया हाथ में यहां स्क्वायर का भाग दिया तो ये आया एक्स स्क्वायर वन बाय स्क्वायर एक प्रजाति के ये लोग हो गए तीन कॉमन निकला तो ये दोनों भी एक प्रजाति के हो गए और पांच का पांच बचा फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करना सिखाया था कि एक्स प्लस वन बायस दिया हो और एक्स स्क्स वन बाई एक्स स्क् दिया हो तो उसका आंसर कैसे आता है तो यहां पे मैंने बस वैल्यू रखी इसका आंसर आ गया ट्वेंटी थ्री इसका आंसर आ गया पांच या पंद्रह क्योंकि इसकी वैल्यू पांच है और यह आपका पांच आ गया यहां पर आपका ट्वेंटी आ गया सबको आपने जोड़ा फोर्टी थ्री अपॉइंट ट्वेंटी थ्री दी आंसर ठीक है हां ये इंपॉर्टेंट टाइप है बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप ठीक है ठीक है दीपक बिल्कुल आ जाइएगा आप मुझे मेल करना मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा है ना चलें आगे चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फोर ए प्लस वन अपॉन फाइव ए की वैल्यू चार है बहुत मजेदार सवाल है ये मजा आ जाएगा इसमें तो आपसे बोला है पच्चीस ए का स्क्वायर प्लस एक बटे सोलह ए का स्क्वायर का मान आपको पता लगाना है ये एक ऐसा सवाल है जहां पे हमें आवश्यकता को समझना है मुझे क्या चाहिए और उसके लिए क्या पता होना चाहिए यह पता करना पड़ेगा सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ट्वेंटी फाइव ए का स्क्वायर प्लस एक बटे सोलह ए का स्क्वायर का आंसर अगर देना है इसका आंसर तभी दे पाओगे जब फाइव ए का स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर नहीं सॉरी जब आपको यह पता होगा अगर आपको फाइव ए प्लस वन अपॉन फोर ए की वैल्यू पता चल जाए तो इसको इसमें बदला जा सकता है अरे भाई पांच होगा तभी तो पच्चीस आएगा नीचे चार होगा तभी तो सोलह आएगा तो अगर इसका आंसर तुम्हें देना है तो उसके लिए यह पता होना चाहिए जबकि यहां उल्टा है चार का वर्ग करोगे तो सोलह आएगा जबकि ऊपर तो मुझे पच्चीस चाहिए पांच का वर्ग करोगे तो पच्चीस आएगा जबकि नीचे सोलह चाहिए तो मैंने आवश्यकता को पकड़ा कि अगर मुझे ऊपर पच्चीस चाहिए तो ऊपर पांच चाहिए नीचे सोलह चाहिए तो नीचे मुझे चार चाहिए तो अब मुझे कुछ ऐसा चमत्कार इसके साथ करना पड़ेगा कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए है ना समझ में आ रही है बात फोर ए प्लस वन अपॉन फाइव ए के साथ में क्या करूं इसके साथ क्या किया जाए कि ये बन जाए चार पांच बन जाए पांच चार बन जाए कई लोग के कमेंट्स आ भी गए हैं क्या करना है और आंसर भी आ गए है ना सुनिएगा अगर यहां चार है तो मुझे इस चार को चार से उड़ा के अगर पांच का गुणा कर दू देखो चार से चार कट जाएगा तो बचेगा पांच यहां पांच से पांच कट जाएगा तो बचेगा चार और यहां भी क्या करना पड़ेगा पांच बटे चार दोनों पक्षों में अगर मैंने पांच बटे चार का गुणा कर दिया तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा समझ में आ रही बात चार से चार गया फाइव ए पांच से पांच गया ए चार से चार गया तो यहां क्या बचा पांच अब हो गई भैया है ना अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं मुझे ये पता चल गया अब मुझे पता है कि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा वर्ग लाना है ना दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी और बराबर में पच्चीस है ना ए प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर में पच्चीस चलो बढ़िया है ए से ए गया तो यहां बचा पच्चीस ए का वर्ग सोलह ए का वर्ग इधर पच्चीस पहले से था पांच का दुगना दस दस बटे चार या दो से दो उड़ा दो तो माइनस का पांच बटे चार है ना पांच दुनी दस बटे चार और इसका मतलब क्या होगा दस बटे चार का मतलब पांच बटे दो फाइव बाई टू है ना पच्चीस का दुगना पचास पचास में से पांच गया दिस इज नथिंग बट फोर्टी फाइव बाई टू पैतालीस बटे दो आंसर हो जाएगा ए इज द आंसर ये जादू होना है इस सवाल में आपको बात समझ में आ रही है तो बोलो हां नहीं समझ में आ रही है तो बोलो ना हम <laughs> मोदी जी भी आ गए क्या इसको बोलते हैं बोथ साइड स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर वर्ग करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा ना भाई इनका वर्ग कर दोगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा गिव वाला टेस्ट अंजलि जी कल होगा आज क्लास के कारण एक दिन आगे बढ़ा दिया है आ गया मजा <laughs> ठीक है ये दिमाग लगाने वाली चीज थी कि कभी कभी केवल गुणा करने से काम होता है कभी कभी भाग करना पड़ता है कभी कभी दोनों करना पड़ता है आपको पांच का गुणा करके चार का भाग देना है तो पूरे प्रश्न की दशा बदल जाएगी और ये आएगा तभी आ आएगा और मैंने अगर आप इस सवाल को बेसिक से आपने पढ़ा तो आप समझ गए होंगे क्या करना है ठीक है। ए की वैल्यू दो है बी की वैल्यू वन है तो ए की पावर माइनस टू बी की पावर माइनस टू की पावर ए का मान ज्ञात करें। कुछ मत करो भैया ए की घात माइनस टू है तो ए की घात दो कर दो बी की घात माइनस दो है तो बी की घात दो कर दो और इसकी घात क्या है ए है सिंपल सा मान रख दो बस वैल्यू पुटिंग कर दो ए की जगह दो रखो तो दो का वर्ग चार बी की जगह एक रखो एक का वर्ग एक और ए की घात क्या है तो दो है है ना एलसीएम चार आ जाएगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा पांच है ना ऐसे ही हो जाएगा ना तो ये हो गया तुम्हारा पांच बटे चार का वर्ग तो ये आ जाएगा तुम्हारा पच्चीस बटे सोलह ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन पच्चीस बटे की जगह दो और बी की जगह एक रखा है और कुछ नहीं करा एक की जगह दो दो का वर्ग चार एक का वर्ग एक और एक की जगह दो एलसीएम लिया चार चार और एक पांच का वर्ग पच्चीस बटे सोलह अगला ठीक है लड्डू सवाल ऐसा भी बीच बीच में आना चाहिए ना ठीक है देखो इस बार और अद्भुत सवाल हमारे सामने आया है एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू पांच है तो एक्स की पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स की पावर सिक्स पहले मैं आप सब लोगों से यह दिमाग लगवाना चाहूंगा कि यहां पे हम किस संख्या का भाग दें ऊपर भी और नीचे भी संख्या नहीं मतलब एक्स की घात कितनी हो लगाओ दिमाग देखते हैं क्या आप सोच पा रहे हैं नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही है ना सोचिए कौन सी एक्स की पावर को यहां लें और यहां लें ताकि अपना कार्य सिद्ध हो जाए मोक्ष की प्राप्ति हो जाए लगाओ दिमाग हम्म ठीक है हां वेरी गुड हम यहां पे एक्स की घात तीन का भाग दे दें तो अपना काम हो जाएगा देखो नहीं समझ में आया मत चिंता करो देखो छह में तीन का भाग देंगे तो दो नहीं बचेगा तीन बचेगा छह में से तीन घटेगा तीन से तीन कट जाएगा तो ऑनली तीन बचेगा एक में भाग जाएगा तो एक बटे एक्स क्यूब हो जाएगा जो घात ऊपर है वही घात नीचे मिल जाए तो सोने पे सुहागा बस यही अपना टारगेट है है ना तो अगर तीन ले लेते हैं तो काम बन जाएगा अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो इसको मैं इधर कर दूं क्या ये दोनों को साथ में ले लूं मियां बीबी को साथ में कर लेते हैं और प्लस का तीन उधर कर देते हैं ऐसे यहां देखो इसमें भाग देंगे तो तीन जाएगा इसमें भाग देंगे तो एक बटे एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस का आठ बचेगा क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा चलो ये तो पजल हो गई सॉल्व अब अगला मुद्दा यह है कि एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर पांच है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा कौन बताएगा मैं बताता हूं आपको हल करके सुनिएगा बात मेरी जगह नहीं है खाली एक जगह आई थी ना ये देख लो इसको देख लो अगर एक्स माइनस मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाता हूं बात निकली है तो आप समझ ही लेते हैं इसको भी दो चीजें समझा रहा हूं सुनना पहला एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर पांच हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा और दूसरा एक्स प्लस वन बाय एक्स की सॉरी एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू पांच हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में बदल के देख लेते हैं क्या जादू होगा देखो क्योंकि क्यूब है तो दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं घन करते हैं अरे क्यूब चाहिए तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा बोथ साइड क्यूब दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में 125 ठीक है भाई यहां पे ये कट जाएगा है ना तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब रहेगा प्लस ये तीन हो जाएगा और एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान तो पहले से पांच था और ये तुम्हारा 125 हो गया तो पांच या पंद्रह उधर से घटेगा तो एक पच्चीस में से पंद्रह गया सो द आंसर इज हंड्रेड एंड टेन अगर यही चीज इधर आ जाती तो देखो एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब बराबर पांच का क्यूब इनका शॉर्टकट भी है अभी शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं आपको लेकिन लॉन्ग मेथड पता होनी ही चाहिए इनकी ए क्यूब का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी बराबर में 125 ठीक है यहां पे फिर ये कैंसिल हो गया तो यहां बचा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर 125 और एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू पांच पांच दिया पंद्रह माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर 140 आएगा देख लो एक बार अच्छे से फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आप इसको अच्छे से देखो मैं यहां पे इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं आपको सब चीजें क्लियर दिखाई भी देंगी और मैं अपना काम भी कर पाऊंगा तो इसकी ट्रिक होती है कि संख्या का घन करके तीन गुना घटा दो अगर प्लस से प्लस पे जाना है और अगर माइनस से माइनस पे जाना है तो संख्या का घन करके तीन गुना जोड़ दो ये इसकी ट्रिक होती है अगली बार आपको इतना पूरा नहीं करना है अगर प्लस में है तो माइनस करना है और माइनस में है तो भैया प्लस करना है बात समझ में आ रही है है ना तो पांच का घन देखो पांच का घन कितना हो गया 125 और पांच ता पंद्रह गया तो 110 सौ दस पांच का घन 125 और पांच किया पंद्रह कितना हो गया 140 तो इन शॉर्टकट को प्रयोग करना पूरा नहीं करना है लेकिन ये कैसे बना ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है बहुत बढ़िया दीपक जरूर जरूर मेल डालना मुझे आदित्य पटेल विनर्स एट द रेट जी डॉट कॉम पे मैं आपसे बात करूंगा आया क्या समझ में चलो बड़े आगे अब प्रश्न पे आते हैं जो अपन से पूछा था कौन सा था ये वाला था तो अब मुझे ये बताओ कि अगर x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू पांच है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय क्यूब का आंसर क्या आएगा माइनस में प्लस करते हैं है ना तो संख्या का घन और उसी का तीन गुना एक सौ पच्चीस प्लस पंद्रह कितना आएगा प्रभु एक सौ चालीस तो ऊपर 140 प्लस तीन और नीचे 140 में से आठ गया 140 में तीन जुड़ गया और 140 में से तुम्हारा आठ गया तो ये आंसर है क्या ऑप्शन में नहीं है और कुछ छोड़ दिया क्या अपन ने होना तो यही चाहिए 143 और 132 है ना कुछ गलती कर रहे हैं क्या नहीं ठीक है कट रहे हैं क्या ये और अच्छा ग्यारह से कैंसिल हो जाएंगे ना यार ठीक है ठीक है सही तो है ग्यारह से कैंसिल हो जाएगा तो ग्यारह से ये कैंसिल होगा तेरह बार और ग्यारह से ये कैंसिल होगा बारह बार दार. अब सही है सही है कट रहे हैं ये तेरह बटे बारह आंसर आएगा ग्यारह से कैंसिल हो जाएंगे ना तो आंसर आएगा तेरह बटे बारह थर्टीन अपॉइंट ट्वेल्व तेरह बटे बारह अच्छा अच्छा क्या बात है अरविंद आपको भी बधाई नारकोटिक्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है विनर्स की सहायता से तो मेरी एक ईमेल आईडी है आप इस पे मुझे मेल डालिएगा जिनका सिलेक्शन हुआ है आदित्य पटेल विनर्स उसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा फोन पर आपको बधाई दूंगा ये मेरी ईमेल आईडी है, है ना आदित्य पटेल विनर्स 808gmail.com चलो इसी बात पे 19वां सवाल एक और धांसू सवाल है आपके सामने और मजा आएगा इसमें x plus 1 by x की वैल्यू दी है और x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4 तक जाना है यहां से यहां तक का सफर तय करना है ठीक है दीपक ओके okay. चलो भाई देखें वेरी गुड आ जाओ देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझना एक्स प्लस वन बाई एक्स से एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर पे डायरेक्ट नहीं जा सकते पहले स्क्वायर वाली स्थिति आएगी उसके बाद ये आएगा पहले एक्स से एक्स का वर्ग होगा वर्ग का वर्ग करेंगे तो एक्स की घात चार आएगा बात समझ आ रही है पहले एक्स से एक्स का वर्ग वर्ग का वर्ग क्या होता है वो होता है एक्स की घात चार ठीक है तो हम अपने जो शॉर्ट ट्रिक है आपको मैंने बताया था कि वर्ग की शॉर्ट ट्रिक होती है संख्या का वर्ग करके दो घटाते जाओ ये इसका शॉर्ट ट्रिक है तो अगर मुझे इससे इस पे जाना है तो रूट पंद्रह बटे दो का वर्ग करके मैं दो घटा दूंगा तो एक्स से स्क्वायर पे चले जाऊंगा दो बार प्रोसेस करनी है इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है है ना? का रूट का वर्ग पंद्रह ही रहेगा दो का वर्ग चार हो जाएगा यहां दो आ जाएगा चार का दुगना आठ आठ गया तो बचा सात बटे चार ठीक है अब मुझे यहां से अगर यहां जाना है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा संख्या का वर्ग करके दो घटाना पड़ेगा बस इतना ही काम करना है सात का वर्ग उनचास और सोलह और नीचे दो है ना और यहां हो जाएगा सोलह का दुगना बत्तीस है ना और इसमें से अगर आपने बत्तीस घटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा सत्रह बटे सोलह यह आपके प्रश्न का फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा बस इतना सा काम करना है अगर आपने और एक बार प्रोसेस कर दिया एक्स से एक्स का वर्ग वर्ग का वर्ग करोगे एक्स की घात चार इसका वर्ग करोगे तो इसके बाद आएगा एक्स की घात आठ ये ऐसा आगे बढ़ता जाएगा है ना तो एक से एक घात चार पे जाने का डायरेक्ट तरीका नहीं है वर्ग करते हुए हम आगे जाएंगे ठीक है भाई वर्ग करके दो घटाया फिर वर्ग करके दो घटाया आंसर आ गया सत्रह बटे सोलह चलो बीसवा सवाल आपके सामने एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री प्लस टू रूट टू और वाई का मान एक है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नीचे माइनस में है इसका आंसर क्या आएगा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप सभी का आंसर आ सकता है बिना दिक्कत परेशानी के ठीक है <laughs> कोई बोल रहा है सर जी दो चार बात सुना दो सुनाएंगे अभी मूड नहीं है सुनाने का अभी पढ़ाने का मूड है आशीष बोल रहे हैं सर आज आपने मैथ्स का डर खत्म कर दिया अच्छा जी ठीक है अनिल आपको भी बधाई किसमें चयन हुआ है आपका विनर्स की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा अगर कोई सा कोर्स चाहिए हो तो जैसे जैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है दर्शकों की संख्या में कमी आ रही है है ना मैंने कहा ना झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है खासकर एडवांस मैथ्स पर जो झेल लेगा वो निखर जाएगा जो पड़ेगा वो निखरेगा जो भागेगा वो बिखरेगा है ना अब आप देख लो आपको बिखरना है कि निखरना है चले भाई आ जाओ यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं प्रश्न को साइड करो आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं जिसको बोलेंगे रेसी प्रोकल या हिंदी में कहेंगे इसको हम व्युत्क्रम अब ये रेसी प्रोकल या व्युत्क्रम का कंसेप्ट क्या है इसको समझना बहुत काम की चीज बता रहा हूं और अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप आंसर सेकेंड्स में ले आओगे मिनट में भी नहीं सेकंड में आंसर आएगा एक बात समझना मेरी ठीक है अगर मैंने आपसे कहा अभी प्रश्न को छोड़ो जो मैं बता रहा हूं वो समझना एक की वैल्यू अगर रूट थ्री प्लस रूट टू हो तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक बटे एक्स का मान क्या होगा व्युतक्रम तो समझते हो रेसिप्रोकल उल्टा पलटी खिलाना है एक्स की वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू हो तो एक बटे एक्स की वैल्यू पता है क्या होगी चिन्ह बदल जाएगा है ना बेसिकली हम कुछ नहीं करते हैं हम इसका परिमयीकरण करते हैं है ना रेसिप्रोकल अगर एक बटे एक्स करना है तो एक बटे रूट थ्री प्लस रूट टू अब होता क्या है कि इसका परिमयीकरण होगा तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी से a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो नीचे बचा एक और ऊपर केवल यह बचेगा तो कभी भी ध्यान रखें कि अगर रेसी प्रोकल आप कर रहे हो और संख्या के वर्ग करने पर एक घटने पे आ रहा है तो हमेशा चिन्ह बदलेगा ऑलवेज साइन चेंज होगा चिन्ह बदल जाएगा है ना यही चीज यहां भी लागू होगी देखो तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार चार का दुगुना आठ अंतर एक का आ रहा है मतलब यहां चिन्ह आप बदल सकते हो तो अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स की वैल्यू थ्री प्लस टू रूट टू है तो क्या एक बटे एक्स की वैल्यू थ्री माइनस टू रूट टू होगी आप रेसी प्रोकल करके रेशनलाइजेशन परिमयीकरण करके देख लेना आंसर यही आएगा लेकिन यह तभी लगेगा जब एक का अंतर आएगा डिफरेंस वन का होगा सही है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स और वन बाई एक्स को जोड़ने पे क्या आएगा अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा तो तीन और तीन क्या बचेगा तो मुझे पता चल गया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है छ है ठीक है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ अब अगर मैं यहां कहूं कि एक बटे एक्स का नाम अगर मैं वाई रख दू तो भी चल जाएगा एक्स का उल्टा एक बटे एक्स पर मुझे एक बटे एक्स बोलने में अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने एक बटे एक्स का नाम क्या रख दिया वाई रख दिया है ना अब देखो खेल ये क्या है अच्छा इन्होंने पहले ही कहा है कि एक्स गुणा वाई वन है तो तीन गुणा एक्स वाई वन तीन गुणा एक्स वाई वन है तो ये तीन और ये तीन तो अब सवाल देखो क्या है ऊपर क्या है एक्स स्क्वे y का स्क्वायर y को मैं बोल सकता हूं एक बटे एक्स तो दिस इज नथिंग बट एक बटे एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स वाई को मैं क्या कह सकता हूं थ्री इंटू वन यानी थ्री नीचे चलो यहां क्या है एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है एक बटे एक्स स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा माइनस का थ्री तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री बात समझ आ रही है है ना अब मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था आपसे कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पता हो तो प्लस वन का आंसर क्या आएगा छ का वर्ग छाइनस दो यानी चौतीस अब भी ट्रिक बताई थी सब बेसिक आपको प्रॉपर सीढ़ी जैसा चढ़ाते मैं ला रहा हूं आपको है ना अगर आप मेरे साथ हैं शुरुआत से तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको सीढ़ी जैसा हम चढ़ते आ रहे हैं लाइन से है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान स्क्स तो काम खत्म देखो ये हो जाएगा थर्टी फोर प्लस थ्री और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्टी फोर माइनस थ्री है ना तो ऊपर आ जाएगा थर्टी सेवन नीचे आ जाएगा थर्टी वन आंसर इज थर्टी सेवन थर्टी वन डी इज दी आंसर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है आया मजा इसको बोलते हैं रेसी प्रोकल कंसेप्ट यानी व्युतक्रम है ना बस अगर ये पता है आज आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो आगे आप इतना जल्दी आंसर ले आओगे और आप खुद की पीठ थपथपाओगे कि वाह यार मजा आ गया सवाल में है ना पर अंतर एक का होना चाहिए भैया ना वर्ग करने पे जब आप उनका वर्ग करो तो अंतर एक का आना चाहिए ये बात ध्यान रखना तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार दुनिया आठ अंतर एक का है तो चिन्ह बदलता है प्लस को बना दो माइनस और एक बटे एक्स को हम क्या मान रहे हैं वाई तो इस वाई को मैंने क्या कहा एक बटे वाई एक बटे एक्स इसको भी क्या कहा एक बटे एक्स ठीक है कितने लोगों को एडवांस मैथ्स में या जो अभी हम एल्जेबरा पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है हाथ उठाओ जरा हाथ उठाओ मतलब कमेंट करके बताओ कितने लोगों को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है जल्दी से बताओ मुझे पता तो चले किसी को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है मजा आ रहा है और आज की जब क्लास अपनी खत्म हो बस एक घंटा और बचा है तीन घंटे का अपना सेशन था दो घंटे हो चुके एक घंटा और झेलना है आपको उसके बाद फिर आप आ, क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताना पूरे तीन घंटे की कक्षा का फीडबैक जरूर देना कैसा लगा हाँ क्या बात है मजा आ रहा है भाई बहुत सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया ठीक है चलो बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को देख के मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया कि पसंद तो आ रहा है हाँ जी इसका आंसर बताएंगे यहां पर भी सेम जो अभी मैंने आपको बताया ना उसी कंसेप्ट से देखो हम कैसे उड़ाएंगे रेसिप्रोकल या हिंदी में व्यूत क्रम इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नोट्स मत बनाओ समझने पे ध्यान लगाओ सारी बातें आपको मैं बता ही चुका हूं शुरू में ठीक है छ कैसे आया अब तो आ गया भाई अब रेन दो तुम है ना हाँ जी एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स क्या ये दोनों सुनो एक्स बटे वाई का उल्टा क्या होगा वाई बटे एक्स अगर x बटे वाई का नाम में a रख दूं तो y बटे एक्स का नाम मुझे एक बटे ए रखना पड़ेगा क्या जिसको यह बात समझ में आ गई उसका आंसर ही आ जाएगा ठीक है x बटे वाई का नाम अगर मैंने a रखा तो y बटे एक्स इसका उल्टा है इसका व्युतक्रम है इसका रेसी प्रोकल है तो a का रेसी प्रोकल क्या होगा मेरे भाई एक बटे ए अब देखो इसका नाम अगर तुमने ए रखा तो इसका नाम क्या हो गया एक बटे ए इसी प्रकार इसका नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया ए क्यूब तो उसका नाम क्या हो गया एक बटे ए क्यूब है ना और अब भी आपको मैंने इसको पूरा कंसेप्ट पूरा सॉल्व करके बताया था कि जब भी माइनस की स्थिति बने तो संख्या का घन करके माइनस में तीन गुना प्लस करते हैं तीन का घन सत्ताईस, तीन तिया नौ सत्ताईस में नौ जुड़ गया आंसर इज थर्टी सिक्स छत्तीस आपका आंसर बिना दिक्कत प्रॉब्लम के मजा आया ये ताकत है कंसेप्ट में अगर कंसेप्ट सीखोगे रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे बेसिक अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ोगे तो रिजल्ट्स मिलते हैं अब देखो कितना मजेदार हो गया हाँ जी बीच में थोड़ी सी इधर उधर की दो मिनट बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे अभी बचे सवाल है ना आपको पता होगा कि 15 जनवरी पर मैंने एक ऐसी चीज की घोषणा करी थी जिससे कई सारे बच्चे हिल गए और जगह जगह पे इसकी काफी चर्चा हुई तो अगले संडे मैं क्लास नहीं ले ले रहा हूं अगले संडे यानी 29 जनवरी रात 8 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है है ना और ये कुछ ऐसा होगा जिसका अनुमान अभी तक कोई भी लगा नहीं पाया है है ना 15 जनवरी को मैंने इसके बारे में ट्रेलर आउट किया था 29 जनवरी को इसका खुलासा है यानी एक सप्ताह और तो क्या वाकई में मैथ्स पढ़ाना में छोड़ रहा हूं या कुछ और धमाकेदार चीज में करने जा रहा हूं तीस जनवरी यानी ठीक अगले संडे रात आठ बजे सभी लोग लाइव जरूर जुड़िएगा आधे घंटे के लिए मैं लाइव आऊंगा सब लोग जरूर जुड़ना ठीक है और क्या हो सकता है अगर आप अनुमान लगा सके तो अनुमान लगा के मुझे बताना ठीक है चलो ये वाला वीडियो था जिसमें मैंने इसकी जानकारी दी थी जिनको मैं फ्री कोर्सेज दे रहा हूं वो इस वीडियो को देख लेना फ्री कोर्स कैसे मिलेगा कल उसका टेस्ट है फ्री टेस्ट दोगे विनर्स की ऐप पर अगर आपने अच्छे नंबर लाए तो आपको एक टेस्ट फ्री मिलेगा किताबें खरीदनी है कैसे खरीद सकते हो वो भी इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि आप विनर्स की जो मेरी मैथ्स की किताबें हैं या दूसरे विषयों की किताबें हैं वो कैसे खरीद सकते हो है ना और अगर आपको विनर्स की ऐप पर पढ़ना है तो बहुत अच्छे से आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग विषयों के भी कोर्स हैं अदरवाइज आप मध्य प्रदेश के हैं तो पटवारी मात्र का पूरा एक साल का आपको वैलिडिटी के साथ सारे विषय मिलेंगे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एमपी पुलिस कांस्टेबल व्यापम फाउंडेशन एसआई SI, वन रक्षक जेल जेल अधीक्षक प्रहरी आबकारी आरक्षक है ना सहकारी बैंक एसबीआई क्लर्क बैंक फाउंडेशन आईबीपीएस एल आईसी डब्ल्यू एमपीपीएससी प्री मेन्स ये सारे बैचेस उपलब्ध हैं ठीक है देख लेना आप <laughs> ठीक है। <laughs> 29 को देख लेना क्या होगा अभी मत चिंता करो। लेकिन कुछ धमाकेदार होगा कल्पना से परे होगा उम्मीद नहीं कर पाओगे कुछ ऐसा होगा ठीक <laughs> है एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू जेड है तो जेड के पदों में एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब का आंसर क्या होगा देखो मैंने आपको बार बार सिखाया कि अगर एक्स से एक्स क्यूब पे जाना है तो संख्या का घन करके अगर प्लस है तो तीन गुना घटाते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक है तो इस बार एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू जेड है तो आ जाओ देखो यह हो जाएगा टू जेड का क्यूब माइनस थ्री गुणा टू जेड है ना यही होगा तो दो का घन हो जाएगा आठ जेड का घन और तीन दुनी छ जेड और क्या करें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से जेड कॉमन निकलेगा दोनों में से दो कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा चार क्योंकि चार दुनी आठ एक जेड जा चुका है तो अंदर अभी भी दो बचे हैं और यहां से छह में से दो निकल गया दो ते यानी तीन बचा और जेड नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन है तो बस यही आपका आंसर है ए वाला सिर्फ आपको बस थोड़ा सा घुमाया है इससे ज्यादा कुछ नहीं है <laughs> यस सेजल बिल्कुल सही बात कोई बोल रहे हैं सर हमें तो लग रहा है कि अब आप मैथ्स पढ़ाना छोड़ोगे चलो पता चलेगा चले आगे एक्स x की वैल्यू पांच है और एक्स प्लस टी का क्यूब और एक बटे एक्स प्लस थ्री का क्यूब है ना देखो आपसे पूछा है एक्स प्लस थ्री का क्यूब और प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का क्यूब का आंसर क्या होगा ठीक है भाई इसका आंसर कब दे पाओगे हमेशा ना उल्टा सोचना चालू करो एलजेब्रा के प्रश्न करने तो जो पूछा है वो कैसे मिलेगा इसका आंसर तुम तभी बता पाओगे जब एक्स प्लस थ्री और एक बटे एक्स प्लस थ्री का आंसर पता होगा इसका आंसर तभी पता होगा जब इसका आंसर पता होगा तो दिमाग इस पे लगाओ ये अपने आप आ जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या हो गया ये हो गया x प्लस वन बाई एक्स और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब ऐसे ही हो रहा है क्या है ना ये पता चल जाए तो ये तो पता चल ही जाएगा तो बुद्धि इसमें लगाओ कि ये कैसे पता चलेगा ऐसे सोचना है एलजेब्रा में क्या पूछा है उसके लिए क्या पता होना चाहिए इसको अपनी आदत में लाना पड़ेगा तो अपने आप प्रश्न आपसे बनेंगे ठीक <laughs> है चलो तो अब क्या करें भाई आपसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है पांच है। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूं सुनिएगा है ना अगर मुझे यह पता करना है तो यह पता चल जाएगा तो लेट्स एज्यूम कि एक्स प्लस थ्री को हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं है ना हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको मैंने माना ए तो ये हो गया एक बटे ए अगर इसका आंसर मुझे पता चल जाए तो ए क्यूब प्लस एक बटे ए क्यूब का आंसर पता चल जाएगा अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा तो अब ये सवाल मेरे लिए ये नहीं बचा अब मेरे लिए ये मात्र इतना बन गया अगर ए प्लस वन बाय ए का मान पता चल जाए तो ए क्यूब प्लस वन का मान पता चल जाएगा इससे मुझे समझ में आया कि मैंने यहां पर एक्स प्लस थ्री को क्या मान लिया ए मान लिया एक्स प्लस थ्री का भी नाम मैंने क्या रख दिया ए रख दिया अब एक्स प्लस थ्री का मान ए है तो एक्स का मान होगा ए माइनस थ्री है ना प्लस का थ्री उठ के इधर गया अब इसका मान यहां रख दो अच्छा यहां पे भी एक काम करें क्या इनमें से एक्स कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक्स प्लस वन बराबर में पांच है ना एक्स का मान a माइनस थ्री है तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस थ्री और ये हो गया a माइनस थ्री प्लस वन बराबर में पांच मैंने कुछ नहीं करा खेल को समझ में आ, समझ रहे हो तुम लोग गजब का खेल चल रहा है बहुत गजब का क्वेश्चन है ये है ना ये पता होगा तब ये ये पता होगा तभी जब ये पता होगा और इसको मैंने और छोटा कर दिया इसको मैंने a बना दिया है ना अब x प्लस थ्री का मान a है तो x का मान हो गया a माइनस थ्री तो जहां a था वहां मैंने x था, वहां पे a माइनस थ्री रख दिया तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस थ्री है ना और ये क्या हो गया ये हो गया a माइनस टू बराबर में पांच ठीक है भाई a का गुणा a में हुआ a का वर्ग a का गुणा दो में हुआ टू ए तीन में हुआ थ्री है तीन दुनी प्लस का छबर पांच ठीक है भाई ए और थ्री ए क्या हो जाएगा फाइव ए ठीक है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 6 यानी माइनस का वन यही हो जाएगा अब एक काम करते हैं इसको इधर ले आओ तो ए का स्क्वायर प्लस वन इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा फाइव ए यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ आंसर आ गया है कुछ लोगों का बहुत अच्छी बात है सही जा रहे हैं आप क्लियर है हम्म चलो अब एक बात समझना अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं तो सिर्फ मुझे पूरे समीकरण में ए का भाग देना है ए के वर्ग में ए का भाग दिया तो ए बचेगा एक से एक कट जाएगा एक के बटे में कुछ नहीं है और यहां ए का भाग जाएगा तो पांच बचेगा तो a प्लस वन बाई ए की वैल्यू पांच है तो a क्यूब का आंसर क्या आएगा प्लस में माइनस करते हैं संख्या का घन करके उसी का तीन गुना घटा दो पांच का घन एक सौ पच्चीस और पांच दिया पंद्रह करेक्ट आंसर इज एक सौ दस हंड्रेड एंड टेन इज द राइट आंसर जरा में खेल हो गया भाई देख लो अच्छे से तब तक मैं पानी पी लेता हो गया <laughs> प्रश्न का लेवल बड़ा कि कुछ लोग टपके तुम मत टपकना जितने लोग अभी हो देखो है ना बाकी लोगों से इंस्पायर मत हो अपने को भविष्य बनाना है आगे बढ़ते चलो <coughs> आया बॉटल भी विनर्स की है ठीक है मैंने भी खाना नहीं खाया क्लास के बाद अपन लोग साथ में खाना खाएंगे बस अगला सवाल देखो फिर से एकदम शानदार धमाकेदार सवाल है भैया यह वैसे आपसे बन सकता है है ना मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जब भी ऐसा दिखे तो आप समझ लेना कि इसको हम x प्लस वन बाई एक्स में बदल सकते हैं आपको दिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप इसको आराम से बदल सकते हो ठीक है कैसे बदलोगे अब भी बताया था पूरे प्रश्न में x का भाग दे दो इसमें भाग दोगे x बचेगा यहां भाग दोगे तीन बचेगा यहां भाग दोगे एक बटे एक्स बचेगा बराबर में जीरो माइनस का थ्री उधर चला जाएगा तो ये बचेगा एक बटे एक्स और माइनस का थ्री क्या बन जाएगा प्लस का थ्री बन जाएगा है ना अब ये अगर आपको पता चल गया तो अब तो आप फोड़ दोगे अब इसमें दिमाग लगाओ कि यहां क्या करें कि सब सही हो जाए तो देखो चार है दो है तो आप एक काम करो यहां भी आप एक्स का भाग दे दो और इसमें भी आप एक्स का भाग दे दो देखो क्या जादू होगा दोनों में एक्स का भाग देना है इसमें X का भाग एक बटे एक्स की घात तीन यहां भाग दोगे तो एक्स बचेगा यहां एक्स से एक्स के पांच बचेगा और एक में एक्स का भाग जाएगा तो एक बटे एक्स बचेगा इस पांच को मैं हटा के थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि एक ही परिवार के लोग एक तरफ आ जाए अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें नहीं आएगा आंसर? चलो समझ गए तीन को इस पे कन्वर्ट करना है तो संख्या का घन करके तीन गुना घटाएंगे और यहां तो यह डायरेक्ट तीन और पांच क्या हो जाएगा तीन और पांच जुड़ेगा सत्ताईस में से नौ गया तो बचा अठारह और पांच और तीन आठ और दो से कटेगा नौ बार दो से कटेगा चार बार आंसर इज नाइन बाय फोर नौ बटे चार नाइन बाय फोर इज आंसर बिना दिक्कत परेशानी के ठीक है अभी आपने ऐसे तीन चार सवाल देख लिए कई लोग कमेंट में यही बोल रहे थे ना कि सर ऐसे दो चार सवाल करवा दो अब आप सीख गए कभी x का भाग देना पड़ा कभी हमने x वर्ग का कभी x क्यूब का तो आप इन सवालों को एक बार समझना इनको थोड़ा ध्यान से आप देखना आप खुद समझने लगोगे कब किसका भाग देना है ठीक है आया मजा यह हमेशा ध्यान रखना कभी भी ऐसा इक्वेशन आए हमेशा एक्स का ही भाग देते हैं ना वर्ग का ना घन का लेकिन यहां बात अलग चल रही थी यहां पे प्रश्न को देख के हमें पता चला कि एक्स का भाग देने से बात बन जाएगी चले आगे ये देखो भाई एक और गजब का सवाल ठीक है रूट एक्स प्लस सॉरी माइनस एक बटे रूट एक्स का मान है टू रूट टू और इसको किसमें बदलना है इसको बदलना है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर में गजब सवाल है मजा आएगा इसमें आपको हम्म ठीक <laughs> है इसके आगे जितनी भी मैराथन क्लासेज होंगी वो सब अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल पे होगी है ना जो मैथ्स बाय आदित्य पटेल नाम की यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब लोग जुड़ जाना इसके आगे की सभी मैराथन क्लासेस और जो पहले की क्लासेस हुई है वो भी और जो आगे आएंगी अगर तो वो भी उसी पे मिलेगी उसको सब लोग जुड़ जाना उससे हम्म चलो बता दूं देखो क्या करेंगे पहले आप एक चीज समझो अगर मैं रूट एक्स को रूट एक्स का वर्ग करूंगा तो ये एक्स बनेगा फिर इस एक्स का वर्ग करूंगा तो ये एक्स का वर्ग बनेगा पहले ये प्रोसेस हमें डिसाइड करनी है कि मुझे यहां से यहां तक कैसे जाना है है ना रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो केवल एक्स आएगा और x का वर्ग करेंगे तो एक्स का वर्ग आएगा है ना ऐसे हमें पाथ बनाना पड़ेगा रास्ता बनाना पड़ेगा तो बात समझें आप अगर मुझे इसका वर्ग करना है है ना तो इसमें अब यहां पर भी एक अलग चीज है यहां पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा जब मैं इसका वर्ग करूंगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स का जब मैं वर्ग करूंगा तो देखना क्या होगा इधर भी वर्ग होगा है ना बोथ साइड स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग होगा एक्स इसका वर्ग होगा एक एक्स माइनस टू ए बी ये हो जाएगा कैंसिल है ना और ये क्या बचेगा दो का वर्ग चार रूट दो का वर्ग दो तो चार दुनी आठ ये आठ आ गया ये उधर चला जाएगा तो फाइनली मुझे पता चल गया कि ये आ गया भैया दस अब आपको आगे की राहत दिखने लगी होगी है ना हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे जब भी माइनस वाली स्थिति आती है तो संख्या का वर्ग करके दो जुड़ता है क्योंकि ये उधर जाता है ठीक है अब इसको अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर में बदलना है तो संख्या का वर्ग करके दो घटा देंगे दस का वर्ग सौ सौ में से दो गया नाइनटी एट इज आंसर अंठानवे इसका आंसर आ जाएगा वेरी गुड 98 वालों को बहुत सारी बधाइयां बहुत सही जा रहे हैं आप लोग ठीक है ठीक है मजा आया आगे बढ़ो चलो अब कुछ कंसेप्ट होगा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ये भी जबरदस्त सवाल है भाई देख लो आप पहले इसको अब भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे कि एक्स स्क्वेर रूट सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है और आपसे कहा है एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस एक बटे एक्स की पावर फाइव का आंसर क्या होगा ठीक है चलो समझे पहले तो ये बताओ अभी आपको मैंने दो तीन बार बता दिया कि इसमें हमेशा एक्स का भाग देते हैं एक्स का भाग दिया तो एक्स बचा एक्स से एक्स कटा तो रूट सात बचा एक में एक्स का भाग दिया तो एक बटे एक्स बचा बराबर जीरो ये माइनस का रूट सात उधर चला जाएगा तो यहां भाई, भाई भाई बचेंगे और माइनस वाला उधर जाके प्लस बन जाएगा तो केवल एक्स का भाग देने से आपको एक बहुत सुंदर चीज मिल गई ठीक है लेकिन अगला चैलेंज क्या है अगला चैलेंज यह है कि एक्स को एक्स की घात पांच कैसे बनाए मैंने आपको अभी तक दो चीजें बता दी अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो इसको आप इसमें बदल सकते हो इसको आप इसमें बदल सकते हो लेकिन पांच आ जाए तो क्या करें? इसको कैसे बदलेंगे अब मैं आपको यह कला सिखाने जा रहा हूं है ना तो फिलहाल आपको मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं कभी भी आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो तीन और आपसे पूछे कि बताइए एक्स की पावर फाइव और एक बटे एक्स की पावर फाइव क्या होगा है ना इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं पूरा हल करके अभी नहीं बताऊंगा समय कम है अपने पास अब आप इसकी बस शॉर्ट ट्रिक ये समझ लीजिए देखो क्या होता है आधार समान होने पर अगर मैं घन और वर्ग को टकराऊंगा आधार समान होने पर घाते जुड़ती हैं है ना आधार समान होने पर घाते जुड़ती हैं यानी ये क्या बनेगा x की पावर फाइव बनेगा है ना तो अगर मुझे x को x की घात पांच में बदलना है तो इनकी टक्कर करनी पड़ेगी लेकिन जब भी इनकी टक्कर होती है कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब से करेंगे तो एक्स की पावर फाइव पैदा हो जाएगी और आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना जब इनका गुणा करोगे तो आपको आखिरी में अलग से एक्स प्लस वन बाई एक्स मिलेगा उसको घटाना पड़ेगा तो देखो यहां जाने की ट्रिक क्या है वर्ग करके दो घटाएंगे इसकी ट्रिक क्या है घन करके तीन गुना घटाएंगे और ये क्या हो जाएगा ये ऑनली तीन आएगा तीन का वर्ग नौ नौ में से दो गया सात तीन का घन और ये अब तक तो याद हो गया आपको ये आ जाएगा कितना अठारह माइनस तीन एक सौ छब्बीस में से तीन गया सो द आंसर इज वन ट्वेंटी थ्री एक सो तेईस आंसर आएगा तो अगर ये सवाल आपसे पूछा है तो उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या हो गया कि वर्ग का गुणा घन से करते हैं और एक बार एक्स की वैल्यू घटाते हैं दिस इज शॉर्ट ट्रिक है ना आपके पास अगर समय हो तो इसको खुद से प्रूव करके देख लेना इनका आपस में गुणा करना तो आपको ये तो मिलेगा साथ में ये एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा ये एक अलग से होता ना कि दूध जब गरम करोगे तो मलाई ऊपर आ जाएगी ये अलग से निकलेगा इसको हटाना पड़ेगा करके देखना मजा आएगा अब तक पांच हजार भाग गए जो आखिरी तक रुकेगा एग्जाम पास करेगा ठीक है चलो अब सुनो बात अब अगर इसको ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा ध्यान से सुनिएगा बात मेरी मैंने क्या कहा एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब में करके एक्स को घटाना पड़ेगा है ना तो अगर यह है वर्ग का नियम लगाओ संख्या का वर्ग करके दो घटाएंगे ठीक है इसका क्या होगा संख्या का घन करके उसी का तीन गुना घटाएंगे और यह क्या हो जाएगा माइनस का रूट सेवन हो जाएगा ठीक है इसको हल करने पर मुझे एक्स की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच मिल जाएगा ठीक है चलो ये सात में से दो गया तो बचेगा पांच ठीक है इसको देखना ये बनेगा रूट सेवन की घात तीन क्या बनेगा सेवन रूट सेवन और ये क्या हो जाएगा थ्री रूट सेवन और ये क्या है पहले से रूट सेवन सात में से तीन गया तो ये आएगा फोर रूट सेवन ये गुणा में है ध्यान रखना और ये रूट सेवन है पांच गुणा चार बीस बीस रूट सेवन माइनस सेवन आंसर इज उन्नीस रूट सेवन नाइनटीन रूट सेवन इज दी आंसर ऑप्शन ए आया समझ में हम इंटरनेट भी खत्म हो जाता है ना दिन भर कुछ लोग क्लास ले रहे होंगे तो शाम तक इंटरनेट भी खत्म हो जाता है ना लंबी क्लास है तो हाँ। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताना आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की तीन तीन घंटे छह घंटे की लगातार मैराथन क्लास लाएंगे सारे चैप्टर्स निपटा देंगे अपन और एसी में कई क्लासेस पहले ले चुका हूं आप में से जो नए लोग हैं जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समय कार्य नल टंकी ट्रेन मिक्सचर एलिगेशन है ना आयु औसत नंबर सिस्टम ज्योमेट्री मैं तो बारह घंटे पढ़ाया है प्रायिकता क्रमचय संचय एलसीएफ एस सी एफ सांख्यिकी शायद ही कोई चैप्टर छूटा हो जो मैंने ना पढ़ाया और ऐसी कई सारी मैराथन क्लासेस ली है, है ना पिछले पांच साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सोचो कितना पढ़ा दिया होगा अब तक तो आप इसीलिए आप YouTube पे किसी भी चैप्टर का नाम टाइप करोगे फॉर एग्जाम्पल आपको मेंसुरेशन से डर लगता है तो लिखो मेन्सुरेशन बाय आदित्य पटेल आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा और जब आप देखोगे तो दिल गदगद हो जाएगा है ना मैं कई वर्षो से खुला चैलेंज करते आया हूं कि जिसको मैथ्स से, से डर लगता है उसका यहां पे ठोक बजा के इलाज किया जाता है आप जिस चैप्टर से डरते हो उस चैप्टर का यूट्यूब पे नाम लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई बाय आदित्य पटेल छे सात घंटे के लेक्चर आएंगे आप दो लेक्चर भी देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं यूं ही भटक रहा था आज आज तक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक बार में आपका इलाज हो जाएगा जिस चैप्टर से डर लगे वो आप मुझसे एक बार पढ़ के देख लेना आप बोलोगे मैथ्स सरल होता है आज तक हमें बस किसी ने सिखाया नहीं ढंग से अगला सवाल आपके सामने हम्म ठीक है उन्नीस कैसे बचा प्रभु जी बीस ये बीस बार रूट सात है ये एक बार है बीस में से एक गया तो क्या बचेगा उन्नीस ही तो बचेगा अब यहां पे आपसे मैं अपेक्षा करता हूं क्या दिमाग लगाओगे एक बटे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चार है तो एक्स की घात छे प्लस एक बटे एक्स की घात छे कैसे लाओगे कैसे आएगा बताओ देखो मुझे एक बात बताइए यहां पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा अगर एक्स स्क्वायर का गुणा सॉरी एक्स क्यूब का गुणा अगर एक्स क्यूब से कर दें तो क्या यह प्राप्त हो जाएगा है ना आपको क्या करना है इसको पहले बदलना है आपको नहीं क्यूब से तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा वो भी कर सकते हो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का गुणा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब से करोगे लेकिन यहां भी क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस वन बाय को घटाना पड़ेगा है ना तो चार का घन चौसठ है ना और चौसठ में से आप कितना घटा दोगे चार चारिया बारह ऐसे ही होगा सेम यहां पे भी वही होगा और उसमें से उतना घटा दोगे बताओ जरा जल्दी से आंसर आया वेरी गुड हाँ बिल्कुल सही है देखो एक तरीका यह है हम एक काम और कर सकते हैं पहले इसको स्क्वायर में बदल दो प्लस वन में बदल दो और फिर इसको आप चाहें तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय क्यूब में बदल सकते हो मतलब पहले इसका स्क्वायर कर दो और फिर इसका क्यूब कर दो उससे भी आंसर काफी जल्दी आ जाएगा देखो पहले स्क्वेयर की ट्रिक लगाओ तो चार का वर्ग माइनस दो सोलह में से दो गया तो कितना आया भैया चौदह ठीक है चलो फिर क्या करोगे अब वर्ग से घन पे जाना है मुझे यहां पे क्यूब पे जाना है तो चौदह का घन करके चौदह का तीन गुना घटाना पड़ेगा है ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू सेवन डबल फोर माइनस चौदह बयालीस सो द आंसर इस टू सेवन जीरो टू सत्ताईस सो दो आपका आंसर है ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए बाकी जो मैं पहले बता रहा था आप उससे भी कर सकते थे समझ में आई बात पहले आपने क्या करा यहां मैं समरी लिख देता हूं आपने x को x का स्क्वायर बनाया और फिर आपने क्या करा स्क्वायर का क्यूब करा तो वो बन गया x की घात छ ये टेक्नोलॉजी हमने इसमें लगाई पहले स्क्वायर में बदला और स्क्वायर का घन करा तो एक्स की घात छह बन गया ठीक है हम्म ठीक है भाई चलें आगे आ जाओ अगला देखिए एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान कितना है तीन है तो एक्स की घात सात और एक बटे एक्स की घात सात क्या होगा अब मैंने आपको दो सवालों में इतना मानसिक रूप से मजबूत कर दिया है कि अब आप खुद ट्रिक निकाल सकते हो बनेगा देखो क्या करेंगे हम इसको अगर यह बनाना है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा एक्स की घात चार प्लस एक बटे एक्स की घात चार में चार और तीन सात होगा एक्स की घात तीन प्लस एक बटे एक्स की घात तीन से इसको टकराना पड़ेगा और एक मलाई जो है वो निकालनी पड़ेगी उबालोगे तो मलाई तो निकलेगी ये ट्रिक बन गई भाई चार और तीन सात हो जाएगा लेकिन हर बार एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्सेस आएगा वो बचेगा उसको निकालना पड़ेगा ठीक है बोल दो आंसर क्या आएगा चलो करते हैं साथ में अब देखो पहले x से x का वर्ग वर्ग का वर्ग एक घात चार तो x की वैल्यू कितनी है तीन है तो यहां से यहां जाना है तीन का वर्ग माइनस दो तीन का वर्ग नौ नौ में से दो गया तो सात आया है ना फिर सात का वर्ग माइनस दो उनचास में से दो गया तो कितना आया फोर्टी तो इसका आंसर तो आ गया फोर्टी और ये अब तक रट गया होगा इसको करोगे तो तीन का घन माइनस तीन का तीन गुना तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये रट गया होगा सत्ताईस ठीक है तीन का वर्ग नौ नौ में से दो गया सात सात का वर्ग दो दो में आ, नौ उनचास उनचास में से दो गया फोर्टी सेवन और माइनस में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स आपके पास कितना है तीन है यही करेंगे क्या अच्छा सॉरी सत्ताईस नहीं अठारह 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 आएगा माफी चाहूंगा मैं बताओ अठारह सात एक सौ छब्बीस छब्बीस में से तीन गया इकाई अंक तीन एकमात्र ऑप्शन में है एट फोर्टी थ्री इज आंसर एट फोर्टी थ्री इज राइट आंसर क्या बात है इकाई अंक से ही हो गया आठ और सात छप्पन का छह में से तीन गया तीन और तीन वाला एक ही ऑप्शन है एट फोर्टी थ्री इज और अब आप लॉजिक भी समझ गए होंगे सात आ जाए नौ आ जाए आठ आ जाए बारह आ जाए कुछ भी उठा के दे दें अब आप कर लोगे ठीक है अगला यह भी गजब सवाल है भाई इससे कई लोगों को नया कुछ सीखने को मिलने वाला है मजा आएगा पहले यह प्लान करना पड़ता है कि एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पे कैसे जाए आप अपने दिमाग को थोड़ा प्रयोग करो कैसे ये जाओगे आप भाई यहां से यहां जाने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है रास्ता खुद बनाना पड़ेगा क्या हो सकता है आखिर ऐसा ये आपको सोचना पड़ेगा ठीक है <laughs> चलो देखें देखो अगर अगर हम कुछ ऐसा कर लें इसका पात कैसे बनेगा समझना एक्स की पावर फोर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स में और इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूब वन बाई क्यूब में ऐसे चलेंगे तो एक्स की घात तीन माइनस तक पहुंचेंगे ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है अगर ऐसे घुमा के प्रश्न देंगे तो है ना और अगर आप पटवारी में पढ़ रहे हो एसआई कांस्टेबल इस बार के कांस्टेबल में ढेर सवाल आए थे इस प्रकार के ये रास्ता बनाते आना चाहिए कैसे पहुंचोगे ठीक है तो देखो अब यहां पे ये रिवर्स है इसको हम कहेंगे बैक मारना ये रिवर्स आ रहे हैं ना भाई अभी तक मैंने क्या सिखाया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मैंने आपको ये बनाना सिखाया है ना अब हम ऐसे नहीं जा रहे उल्टा जा रहे हैं इसको बोलेंगे रिवर्स जाना तो सुनिएगा बात ध्यान से एक्स की पावर फोर प्लस एक बट एक्स की पावर फोर से मुझे स्क्वायर तक जाना है तो इसकी ट्रिक होती है उल्टी हम क्या करते थे हम वहां पे वर्ग करके दो घटाते थे वर्ग करके दो घटाने का उल्टा क्या होगा दो जोड़कर वर्गमूल लगाना देखो रिवर्स जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं वर्ग करके दो घटाते थे दो घटाने का उल्टा दो जोड़ना और वर्ग का उल्टा वर्गमूल तो 322 में दो जुड़ा 324 और 324 किसका वर्ग है 18 का ठीक है चलो अब इसको मुझे माइनस में बदलना है इसका खेल समझना अगर मुझे इसको माइनस में बदलना है तो मैं क्या करूंगा सुनना मैं यहां पर भी टू एक्स वाई और यहां पर भी 2x/ घटाऊंगा y का मतलब एक बटे x से थोड़ा कंसीडर कर लेना आप जगह कम है है ना a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab इधर जो घटाया उधर ताकि ये कैंसिल हो जाए और y का मतलब क्या है x और एक बटे x ये भी क्या है x और एक बटे x तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना ये भी कैंसिल हो जाएगा तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab क्या होता है a b का होल स्क्वायर तो अट्ठारह में से दो गया सोलह और सोलह किसका वर्ग होता है जी सोलह वर्ग होता है चार का यहां पहुंच गए यहां तक आ गए अब यहां से घन पे जाना है और यह तो अपन ने आज चार छह बार कर लिया है ना माइनस में जुड़ता है तो संख्या का घन करके उसी का चार च, तीन गुना जुड़ेगा तो चार का घन चौसठ चार तिया बारह आंसर इज सेवेंटी सिक्स हाँ भाई अब गहरी सांस ले लो जरा आया मजा 76 सिक्स इज राइट आंसर ऐसे प्लान करना पड़ता है कैसे जाओगे वहां तक नदी भी आएगी हाईवे भी आएगा जंगल भी आएगा चलते रहना है यही जीवन है लाएंगे दूसरे चैप्टर्स की भी मैराथन क्लास लाएंगे और हमारे दूसरे शिक्षक गण भी आपके लिए अलग अलग विषयों की क्लास लाएंगे चिंता मत करो खूब पढ़ाएंगे आपको बस आप तैयार रहो मेहनत करने के लिए हमारे साथ भूख लग रही है अरे खाना खा लो यार क्या बात करते हो तुम इतना खाना खाया जीवन में इतने वर्षों से तो भी तुम अपने भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाए आज भी और ऑनलाइन क्लास में कितना बढ़िया फायदा है खाना खाते खाते पढ़ो भाई खाना खाते खाते इंसान पढ़ा नहीं सकता लेकिन पढ़ तो सकता है मरे जा रहे हो भूख के लिए ठीक है समझे माइनस टू ए बी इसका एक्चुअली ट्रिक है लेकिन आपको मैंने नहीं बताया था इसमें क्या करते हैं संख्या में से दो घटा के वर्गमूल लगाते हैं जब हम प्लस से माइनस में आते हैं तो दो घटा के वर्गमूल लगाते हैं अठारह में से दो गया सोलह और सोलह किसका वर्ग चार का हमने इस ट्रिक का यूज किया है पर क्योंकि बताया नहीं था इसलिए मैंने आपको बेसिक से बता दिया तीसवा सवाल क्या बात है देखो इसको <laughs> तीन घंटे मूवी देखते हो तो हिलते नहीं हो जगह से है ना और तीन घंटे पढ़ने की बोल दो तो चार बार उठ के गिर पड़ते हो <laughs> लाएंगे लाएंगे सब चैप्टर्स पढ़ाएंगे चिंता मत करो चलो आ गए समझ में यहां पे आज की क्लास की शुरुआत में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मैं आपको इस कंसेप्ट को विस्तृत समझाता हूं मैंने कहा था और इसको प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको कि एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर रूट तीन हो तो x की पावर सिक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बहुत काम आता है है ना एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू रूट तीन हो, तो एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस का वन तो पहला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि गुरुजी जी कैसे संभव है ये कैसे आया कहां से उसकी उत्पत्ति हुई तो पहले भक्त जनो इसको सीखो एक्स प्लस वन बाय एक्स कभी रूट तीन हो तो दोनों पक्षों का घन कर दो। दोनों पक्षों का घन करो ए प्लस बी का घन हम इसको क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं सिद्ध कर रहे हैं कि एक्स की घात छे बराबर माइनस वन होता है प्रूफ दैट सिद्ध करो तो आओ मिलके सिद्धि प्राप्त करते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी और रूट तीन का घन क्या होगा थ्री रूट थ्री ठीक है ये कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पहले से हमें पता था कि वो कितना है रूट थ्री है और ये थ्री रूट थ्री है ठीक है भाई ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का थ्री रूट थ्री हो जाएगा उधर जाएगा तो ये कैंसिल होना है आगे चल के ये दोनों जीरो ही बनने तो इधर बचेगा जीरो और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब है ना ये उधर जाके जीरो हो गया अब इसको जरा हल करो मेरे साथ तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो गया एक्स की घात छे प्लस वन छे एक्स क्यूब बराबर जीरो जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा तो एक्स की घात छ प्लस वन बराबर जीरो प्लस वन को उधर ले जाओ इति सिद्धे ये सिद्ध हो गया तुम्हारा कि एक्स की घात अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट तीन है तो अंत में एक्स की घात छे बराबर माइनस वन आता है ये दोनों कंसेप्ट है इसकी भी जरूरत पड़ती है कभी कभी x की घात छ प्लस वन बराबर जीरो या x की घात छ बराबर माइनस का एक ये दोनों कंसेप्ट है दोनों की जरूरत पड़ती है ठीक है राइट अब प्रश्न पे आते हैं तो पहला तो ये ध्यान रखो कि ये होता है है ना कैसे होता है वो भी बता दिया तो आइंदा याद रखें कि अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू देखो ये वर्ग है ये वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा अगर ये रूट तीन है तब एक्स की घात छे बराबर माइनस वन प्राप्त होता है कैसे होता है वो भी आपको मैंने बताया अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी उसको देखते हैं, है ना देखो यहां बहत्तर है क्या बहत्तर को बारह गुणा छे में तोड़ सकते हैं यहां छठ है क्या इसे ग्यारह गुणा में तोड़ सकते हैं यहां चौवन है तो क्या इसे छ और नौ में तोड़ दें? यहां चौबीस है क्या इसे छह और चार में तोड़ दें यहां छह है और प्लस का वन है है ना बारह गुणा छह बहत्तर ग्यारह इंटू छठ नाइन नाइन इंटू सिक्स चौवन छ इंटू चार चौबीस छ और एक ओके डन एक घात छ का मान एक रख सकते हैं मतलब माइनस का एक रख सकते हैं तो माइनस एक की घात बारह माइनस एक की घात ग्यारह माइनस एक की घात नौ माइनस एक की घात चार माइनस का एक और प्लस का एक अगर सम संख्या घात हो तो प्लस बन जाता है ये माइनस बन जाता है ये भी माइनस बन जाता है ये प्लस बन जाएगा ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस अब देखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं बचा आंसर इज शून्य जीरो इज दी आंसर ठीक है <laughs> ये जादू है इस कंसेप्ट का आया मजा देख लो अच्छे से फिर मत बोलना बस थोड़ी देर और छुट्टी करना है आपकी बस अब आया मजा इतना इजी था पर ये इजी कब था जब ये कंसेप्ट पता हो कंसेप्ट की ताकत है एडवांस में और कुछ नहीं है एडवांस को अच्छा करना है प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है प्रैक्टिस अच्छी कर लो नैया पार है तुम्हारी चलो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताई दिया ये कैसे आया अच्छा आगे अभी थोड़ा सा पांच दस मिनट और बचे दस मिनट और रुकना है आपको अभी कुछ प्रश्न और लगाएंगे लेकिन कुछ काम की बातें बता देता हूं आप लोगों ने ये इन लोग के वीडियो देखे कि नहीं ये पूरे विनर्स के जो वर्दीधारी हैं जो मिलने आते रहते हैं इनके वीडियोस देखना आपको इनसे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी किसी ने वर्ग तीन निकाला है किसी ने एमपी पुलिस निकाला है ऐसे पूरे बल्क में मिलने आते हैं बच्चे हमसे है ना तो इनके वीडियोज जरूर देखना आप और ये मैथ्स वाली चैनल है जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूं आपको अगर मुझसे और दूसरे चैप्टर मेरे जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं पहले मैंने इसकी एक अलग चैनल बना दी थी उस पर सारे प्ले में जब आप जाओगे ना ये प्ले में जब आप जाओगे तो आपको सारे चैप्टर सिस्टमेटिक दिखेंगे ये देखो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम की 26 क्लास एल्जेब्रा की 25 क्लास है ना ये देखो मोटिवेशनल वीडियोस, कंप्लीट मैथ्स के 22 वीडियोस हैं सिंप्लीफिकेशन के 12 लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 लेक्चर और ये तो कुछ ही दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे ऐसा ढेर लगा है चैप्टर्स का तो अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल पे जाके पढ़ लेना और आगे की जो मैराथन क्लासेस होंगी वो इसी चैनल पे होगी क्योंकि अब हम इस चैनल को वन मिलियन बनाएंगे ठीक है आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए तो जितने लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा इस पर चले जाना इसको अब वन मिलियन बनाएंगे तो अब हम सारी क्लासेज इसी पे लेंगे है ना और ये अपनी मोटिवेशनल चैनल है जिसका आपको जरूरत पड़ती रहती है और आज ही एक नया वीडियो डाला है जो जनरली मैं ऐप में क्लासेस लेता हूं और वहां पे कुछ मोटिवेशनल बातें कुछ डांट फटकार तो उसको वीडियो को हम कट करके यूट्यूब पे डालते हैं तो बहुत सारे वीडियोज डले हुए अच्छे अच्छे आप इस मोटिवेशनल चैनल से देख लेना ये सारी चैनल इनको सब्सक्राइब कर लेना ये विनर्स की ऐप है और ये अगला सवाल है अभी जान ही रहे छुट्टी नहीं हुई अभी है ना चलो बढ़िया भाई कुछ लोग तो एकदम शुरू से आखिरी तक टिके हुए हैं चले एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो है तो कोई भी बच्चा इसका आंसर बिना पेन उठाए बता देगा मैंने आपको एक कंसेप्ट आज की क्लास की शुरुआत में बताया था कि अगर x प्लस वन बाय की वैल्यू दो है यह तभी संभव हो सकता है जब x का मान एक हो यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब x का मान क्या हो एक हो तो यहां पे आप करोगे एक की घात बारह यानी एक और यहां एक की घात बारह यानी एक और एक में से एक गया तो क्या प्राप्त होगा जीरो शून्य इज दी आंसर ठीक है ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न का आंसर दीजिए अगर एक्स प्लस वन बाय की वैल्यू माइनस टू हो तो यह तभी संभव है जब x का मान क्या हो मेरे भाई माइनस वन हो यह तभी संभव है है ना तो वन प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर सिक्स यह आ गया वन यह आ गया माइनस वन की घात तीन और माइनस वन की घात तो ये वन है विषम है तो यह विषम आएगा और ये सम है तो यह सम आएगा ये गया तो अंत में बचा केवल एक चुन्नू मुन्नू सवाल है कंसेप्ट आप समझ गए होंगे ठीक है इजी अगला इसका आंसर भी वैसे पेन उठाने की जरूरत नहीं है एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर वन हो तो आपसे बोला है एक्स की पावर ट्रिपल नाइन प्लस एक्स की पावर ट्रिपल नाइन का आंसर क्या आएगा कुछ गलती कर दी क्या यहां पे इन्होंने इसको आप दो कर लो ठीक है दो कर लो तो आंसर आपका बिना पेन उठाए फटाफट आ जाएगा हा ठीक है ऐसा तभी हो सकता है यहां पे दो करेंगे इसको जब एक्स की वैल्यू क्या होगी वन होगी तो वन प्लस वन आंसर इज टू ठीक है भाई ये वन है वन की पावर ट्रिपल नाइन और वन की पावर ट्रिपल नाइन तो ये हो गया वन प्लस वन आंसर इज टू आया मजा ठीक है चलो अगला देखें ये है भाई एक और अद्भुत सवाल कंसेप्ट तो अभी बहुत अच्छे अच्छे बचे हैं इसको और देख लेते हैं इसको और सिखा देते हैं आपको देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी मतलब मेरे लिए ये पूरा ये पूरा क्या है इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लो x का वर्ग इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लो y का वर्ग इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लो z का वर्ग है ना तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है ना कि उन सबको जोड़ने पर वो सब जीरो के बराबर हैं सबको जोड़ने पर सब किसके बराबर हैं जीरो के बराबर हैं तो आप इनको अकेले अकेले भी जीरो के बराबर लिख सकते हो भाई जब इन तीनों को इसको प्लस इसको और प्लस इसको तीनों को जोड़ने पे जीरो आ रहा है यानी ए माइनस वन का वर्ग जीरो के बराबर होगा बी प्लस टू का वर्ग जीरो के बराबर होगा और सी माइनस वन का वर्ग जीरो के बराबर होगा बात समझ आ रही है? है ना अगर इनका योग जीरो के बराबर है तो सबको आप अलग अलग भी जीरो के बराबर लिख सकते हो है ना तो a माइनस वन का वर्ग बराबर जीरो तो a माइनस वन बराबर जीरो यानी ए की वैल्यू वन वर्ग घटेगा वर्गमूल लगेगा जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना फिर b प्लस टू बराबर जीरो यानी b की वैल्यू माइनस टू सी इज इक्वल टू सी प्लस वन बराबर जीरो यानी c की वैल्यू माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस वन माइनस वन तो प्लस वन सबकी वैल्यू पता चल गई क्या बोल रहे ए का वर्ग एक का वर्ग एक बी का वर्ग दो का वर्ग चार सी का वर्ग एक आंसर आएगा छ आपका आंसर आ जाएगा ओके okay. hmm. ठीक है भाई सिंपल अगला ये भी अद्भुत सवाल है इसको तो अगर आपने नहीं सीखा मतलब आपने जीवन में कुछ नहीं किया इतना प्यारा सवाल है वाला एक बार अच्छे से देखिए इसको तो मैं सिखा के ही आज की क्लास खत्म करूंगा देख लो इसको अच्छे से लास्ट क्वेश्चन है ना अभी क्लाइमेक्स बचा है हाँ यार पानी नहीं पिया ना पानी पी लू मैं थोड़ा सा चलो आ जाओ एक बात समझना ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग सी का वर्ग छियानवे देखो मेन खेल इसका है ये जो जो टाइप है ना ये एक बहुत गजब का पैटर्न है मतलब आप समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला जैसे मैंने इसको देखकर पहचान लिया आज के बाद आप भी इसको देख के पहचान लोगे क्या करना है आठ का गुणा करा एट ए एट बी और 16c. सी इन सबको उठा के इधर ले आओ ये बराबर के उस तरफ है सबको उठा के इधर ले आओ आठ उठ के इधर आएगा माइनस ये उठ के इधर आएगा माइनस ये उठ के उधर जाएगा प्लस बराबर में जीरो ठीक है अब यहां पे एक ही परिवार के लोगों को एक साथ बिठाओ ठीक है ये ए का वर्ग है तो इसके साथ कौन है एट ए है और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है इस छियानवे के टुकड़े करना देखो मैं किस तरह से टुकड़े करने वाला हूं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा है ना यहां पे मैं इस छियानवे से सोलह उधार ले रहा हूं इस छियानवे से मैंने सोलह उधार ले लिया है ना तो ये अपने आप में एक बन गया भाई ए का वर्ग माइनस का एट ए और इससे मैंने सोलह उधार ले लिया आगे बढ़ते हैं यह है आपका बी का वर्ग माइनस का एट बी और इससे मैंने फिर से सोलह उधार ले लिया ठीक है फिर क्या बचा ये एक हो गया ये दूसरा हो गया फिर क्या है हमारे पास सी का वर्ग है ना प्लस सोलह सी और अब जितना बचा 96 सिक्स में से सोलह इधर गया सोलह इधर गया छियानवे में से बत्तीस गया तो बचा मेरे पास चौसठ ये चौसठ मैंने इसको दे दिया बराबर में जीरो ठीक है भाई ओके okay, अब आगे देखो खेल है ना ये तीनों आपके बन गए सबको टुकड़े पहले तो हमने इनको उठा के इधर लाए तो चिन्ह बदले और इस 96 के हमने टुकड़े करे तो 96 को 16 16 और 64 अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान दो तो ये पता है क्या है ये है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस में टू ए बी देखो ए का वर्ग आपको क्लियर दिखा रहा हूं मैं अपने आप को हटा रहा हूं है ना ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी या देखो बी का वर्ग चार का वर्ग माइनस टू ए बी और ये क्या है ए का वर्ग बी का वर्ग और प्लस में टू ए और बी अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया है ना कहने का मतलब यह है कि यह क्या है ए का वर्ग बी का वर्ग यानी ए माइनस चार का वर्ग यह क्या है यह है b माइनस चार का वर्ग और यह क्या है यह है c प्लस एट का वर्ग और यह सब किसके बराबर है जीरो के बराबर है ठीक है ए माइनस बी बी माइनस सी और ये ठीक है और अभी जस्ट मैंने आपको पिछला सवाल बताया था कि अगर ये सब जीरो के बराबर हैं तो आप अलग अलग भी जीरो के बराबर कर सकते हो तो ए माइनस चार का वर्ग बराबर जीरो है ना तो सोचो जीरो पे वर्ग चढ़ेगा कोई मतलब नहीं ए की वैल्यू चार बी की वैल्यू भी चार और सी की वैल्यू माइनस का आठ अब मान रखना है और आंसर बताना है कैसा लगा सवाल ठीक है चलो तो ए गुणा बी चार और चार सोलह फिर माइनस का बीसी तो आठ चौक बत्तीस माइनस माइनस प्लस प्लस का बत्तीस और सी ए आठ इंटू चार माइनस का बत्तीस ठीक है भाई बत्तीस से बत्तीस गया सोलह किसका वर्ग चार का फोर इज दी आंसर चार आपके प्रश्न का आंसर है विदाउट दिक्कत परेशानी आया मजा हम्म ये प्रश्न ना करो ना तो मजा ही नहीं आता ये अच्छे समय पे आया है मजा आता है इस वाले सवाल में दिमाग लगाने में ठीक है चलो जिन्होंने तीन घंटे क्लास देखने के बाद भी लाइक नहीं करा है ठीक है ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाले की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा रहा है समझ लेना ठीक <laughs> है और यूट्यूब ने एक फीचर ये अच्छा कर दिया है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कमेंट नहीं कर सकते तो अब वो तो टेंशन नहीं है कि तुमने सब्सक्राइब नहीं करा हाँ लेकिन मैथ्स वाली चैनल को जरूर कर लेना अगली बार हम वहीं मिलेंगे तो सवाल तो और है लेकिन अब विराम देते हैं आप भी थक गए हो मैं तो नहीं थका हूं सवाल तो और लाया था मैं आपके लिए तो कुछ चीजें सुनते हुए चले जाओ आज की क्लास की पीडीएफ में आपको अभी जस्ट पांच मिनट के अंदर दे दूंगा टेलीग्राम पे जाइए द विनर्स इंस्टीट्यूट और यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना विद इन फाइव सेकेंड्स विल गेट पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल राइट और इस रविवार एक बहुत बड़े धमाके के लिए तैयार रहिएगा ठीक है थीके? आपने यहां पे सारी चीजें पढ़ ही ली हैं तो क्या होने वाला है इसकी घोषणा मैंने 15 जनवरी को करी थी कई लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ भी करा है क्या है क्या मेरे दिमाग में चल रहा है ये आपको पता चलेगा 29 जनवरी रात आठ बजे तो इसी प्रकार सब लोग आइएगा लाइव थोड़ी देर के लिए और कुछ ऐसी धमाकेदार चीज कि आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा और ये मैथ्स की बुक अपनी आ चुकी है एडवांस मैथ्स की आप यहाँ चैप्टर देख सकते हैं अगर आपको ये किताब लेनी है तो विनर्स की ऐप से ले सकते हो इसकी प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बता दी थी और कल शाम को सात से आठ एक टेस्ट रहेगा विनर्स की ऐप पर फ्री वीकली टेस्ट की कैटेगरी में शाम सात से आठ और उनमें से हम मैंने आपको कहा था पांच में से 250 लोगों को किस्मत के आधार पे और 250 लोगों को काबिलियत के आधार पे हम निशुल्क कोर्स देंगे तो कल रात को इन सब लोगों की घोषणा कल नहीं 26 और 26 जनवरी को मैं नाम अनाउंस करूंगा इन लोगों के तो 26 जनवरी को भी हम रात में मिलेंगे और ये 500 बच्चों को फ्री कोर्स देंगे और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे विनर्स की ऐप से पढ़ सकते हो या इंदौर आके भी आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो ठीक है और ये विनर्स की ऐप है इंस्टॉल करिए और बहुत जल्द विनर्स की ऐप भी एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है बस कुछ ही डाउनलोड और और विनर्स की ऐप जो है वन मिलियन डाउनलोड्स का जादुई आंकड़ा टच करने वाली है मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हम इसका केक काटने ही वाले हैं है ना वन मिलियन डाउनलोड्स मायने रखते हैं वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लैख दस लाख बच्चे मोबाइल में विनर्स की ऐप यूज कर रहे हैं बड़ी बात है और मध्य प्रदेश के लिए तो और बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश में तो दूर दूर तक इतने डाउनलोड्स किसी इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के नहीं है एक लाख तक नहीं है और विनर्स के दस लाख डाउनलोड्स हो रहे हैं जो एक नया कीर्तिमान है जल्द ही इसकी खुशखबरी देंगे और क्यों लोग पसंद करते हैं विनर्स की ऐप क्योंकि आपको हर महीने निःशुल्क करेंट अफेयर्स की एक शानदार मैगजीन हम देते हैं कलर्ड निःशुल्क फ्री है ना पब्लिकेशंस हैं रोज क्विज होते हैं आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो मैनेजमेंट और हर विषयों के डेली क्विज होते हैं सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रीवियस पेपर्स फ्री मिल जाते हैं कई सारे कोर्सेज फ्री हैं हर संडे फ्री टेस्ट होते हैं टेस्ट सीरीज आपको लेटेस्ट पैटर्न की मिलती है फ्री में बहुत चीजें इसलिए बच्चों के मोबाइल में विनर्स की ऐप है और ये कोर्सेज हैं जो आपको विनर्स की ऐप पर बहुत कम दाम में मिल जाएंगे तो आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो ये है पटवारी एसआई कांस्टेबल इनकी तैयारी करनी हो बैंक की तैयारी एस हो एम हो रेलवे हो है ना इन सब की तैयारी और ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का एक दृश्य है छोटा सा तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा आज का सेशन कैसा लगा और जल्द ही जो अपनी मैथ्स वाली चैनल है उस पर भी मैं कई सारी मैराथन क्लासेस इसी प्रकार की आपके लिए लेकर आने वाला हूं तो उस पर भी आप लोग बने रहिएगा और मिलते रहेंगे कल रात को साढ़े आठ बजे दोबारा मैं आपसे मिलूंगा और कल रात साढ़े आठ बजे मैं आपको आज जो संडे टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस करवाने वाला हूं तो कल मिलेंगे हम लोग दोबारा ठीक है तो बढ़िया मेहनत करिए मैं आपके साथ हूं कोई साथ आपका दे ना दे निश्चिंत रहे विनर्स परिवार आपके साथ है बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसका कोई हल नहीं है उसका कोई विकल्प नहीं है ठीक है विदा लेते हैं मिलते हैं कल सुबह ऐप पर जो भी बच्चे ऐप वाले हैं सुबह अपनी अपनी कक्षाओं में मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम खुश रहो मस्त रहो मुस्कुराते रहो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो है ना पीडीएफ आप अभी डाउनलोड कर लेना टेक केयर जय हिंद टाटा बाय बाय